Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को बध किया है। बोले प्रभु पुतना बध क्यों किया? कहते उसका नाम है पूतना। पूत मतलब होता है पवित्र और ना मतलब होता है नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, अगर मुझे कोई हृदय में बैठना चाहते हैं पहले ये अपवित्र को ये पूतना को सबसे पहले मानो। देखो भगवान राम भी सर्वप्रथम, प्रभु राम ने किसको मारा था आप लोग बता सकते हैं? भगवान राम कृष्ण तो सबसे पहले पुतना को मारे। भगवान राम किसको मारे थे? हाँ कौन कह रहे हैं तारका? हाँ ठाकुर जी राम भी सर्वप्रथम तारका को मारे। बोले ये तारका का मतलब क्या होता है? बोले ताड़यति इति तारका, जीव को जो भगाता है। बोले जीव को कौन भगा रहा है संसार में? कहते यही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यही हमें संसार में भगा रहा है। इसलिए मानो दोनों प्रभु हमें एक ही शिक्षा प्रदान करते हैं। बोले देखो ताड़ का ये भी तीन अक्षर है, पूत ना ये भी तीन अक्षर है, पुतना भी स्त्री थी और ताड़का भी स्त्री थी। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक को उच्चारण करते हैं। कहते भैया अगर भक्ति करना है ना कृष्ण को ही भक्ति करनी चाहिए। बोले क्यों? देखो उन्होंने एक कितने प्यारा श्लोक बताए। बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया अपि हरे स्तनम दत्वा अपसत गति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये पुतना को अंदर में जितने सारे दुर्गुण हैं वो सारे दुर्गुण को गिनाते हैं। ये पहला नंबर में ये था पुतना, पुतना मतलब जो पवित्र नहीं। दूसरे नंबर में थी राक्षसी। बोले तीसरे नंबर में बोले बच्चों को खून पीती थी। चौथा नंबर में ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के आई थी? बोले जहर 20 लेकर के आई थी। लेकिन हमारे ठाकुर इतने प्यारे वाक्य बिहारी कहते गुना अब गुना प्रभु देखो ना कहो। ठाकुर जी किसकी अंदर में जो अपगुण है ठाकुर जी देखते ही नहीं। वो जो ऊपर से केवल माँ की वेश धारण करके आई थी और एक सेकंड के लिए केवल इतना नाटक रचाई। बोले मैया जसोदा इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। केवल उन्होंने नाटक किया और कुछ नहीं। लेकिन कृष्ण इतने दयालु उसको गोलोक वृंदावन में स्थान दिया ठाकुर जी। तब हमारे टीकाकार कहते हैं ठाकुर जी के लिए जो 20 लेकर के आए अगर ठाकुर गोलोक वृंदावन दे सकते हैं, केवल आप थोड़ी सी भाव लेकर के ठाकुर जी के पास में आओ, नहीं तो कोई एक फल लेकर के आओ, नहीं तो उनको प्यारा कोई चीज मक्खन मिश्री लेकर के आओ, फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। दूसरे नंबर में थी राक्षसी। अगर कोई राक्षसी ठाकुर जी को पास में आए
और ठाकुर उसको गोलोक वृंदावन दे अगर कोई इंसान आए तो, नहीं तो थोड़ी सी भावना लेकर के, भक्ति भाव लेकर के आए, फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे, ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया भक्ति करो तो कन्या की भक्ति करो, क्योंकि वो कभी तुम्हारी दुर्गुण का प्रति नजर नहीं देते। लेकिन जो दूसरे देवा देवी है ना, अगर आप उसको भक्ति कर रहे हो, थोड़ी सी तुम्हारी भक्ति में इधर उधर हो गई, थोड़ी सी तुम्हारी भक्ति में इधर उधर हो गई, कहते भैया लेने का देना पड़ जाएगा तुम्हें, वो तुम्हारी सद्गुण का प्रति नजर नहीं देगा, तुम्हारी दुर्गुण को देखेगा, तुम्हारी जो दुर्गुण को देखेगा, अच्छी चीज को नहीं देखेगा। लेकिन केवल एक भाग्य भी हरि ऐसे ठाकुर है जो तुम्हारी दुर्गुण में उसका नजर नहीं देते हैं। बोले क्यों, उसका कारण बताए, कहते वो हमारी पिता माता है। जैसे अगर मैया की गोद में कोई बच्चा पेटा पेशाब टाटी करते, मैया बच्चे को फेंक देती है, वो फेंकती नहीं, उसको साफ सुथरा कर देती है। उसी तरह जो कृष्ण है वो तुमैव माता च पिता तुमैव, वो हमारी असली पिता माता है। इसलिए हमारी दुर्गुण का प्रति ठाकुर का नजर नहीं पड़ेगा, केवल अच्छे गुण के प्रति ठाकुर जी की नजर जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भक्ति करो तो श्री कृष्ण की भक्ति करो, तुम्हारी दुर्गुण कभी ठाकुर जी नहीं देखेंगे। जब श्री नंद बाबा वो गए थे मथुरा में कंस को कर देने के लिए, लेकिन जब उन्होंने आए, उन्होंने सुना ऐसे पुतना बड़ी सुंदर बन करके आई थी, लेकिन निकली राक्षसी। नंद बाबा ने कहा देखो एरे गेरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करो। इतने में बड़ी कड़ी पहरादार लगा दी, और इतने में श्री शंकर जी आए ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए। बोले प्रभु के सारे लीलाओं को तो मैंने दर्शन किया, लेकिन ठाकुर का बाल्य स्वरूप को मैंने दर्शन नहीं किया। अगर ठाकुर जी को भूख लगे ना, ठाकुर जी रोते हैं, मच्छर काटते तो ठाकुर जी भगा नहीं पाते। विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले अभी मैया जसोदा उनकी अंगुल पकड़ा करके उनको ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है। इसलिए प्रभु का बाल स्वरूप का मैंने दर्शन नहीं की। शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करके हुए गोकुल में पहुंचे, लेकिन शंकर जी को बताया सत्यम शिवम सुंदर, लेकिन उनको नाम तो सत्यम शिवम सुंदर, लेकिन शंकर जी का ऊपर का ड्रेस देखोगे ना, वो बड़ा असुंदर है। शंकर जी के सर के ऊपर में कौन सा फूल हम चढ़ाते हैं, कोई जुई बेली चमेली बढ़िया कोई फूल नहीं, जो जंगल में अपने आप हो जाए, धदुरे और आकंद फूल चढ़ाते। बोले क्यों, शंकर जी बढ़िया बढ़िया फूल क्यों ग्रहण नहीं करते, कारण है क्या? बोले कारण है वो जितने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे फूल है वो मेरे प्रभु की सेवा के लिए, कांके बिहारी प्रभु राम की सेवा के लिए। इसलिए शंकर जी अच्छे फूल को धारण नहीं करते, शंकर जी कोई चंदन नहीं लगाते हैं, वो बभूत धारण करते हैं। बोले शमशान की बभूति। बोले फिर चंदन क्यों ग्रहण नहीं किए? बोले ये सब चंदन अगुर कर्पूर तो मेरे प्रभु के लिए, प्रभु की मेरी सेवा के लिए, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए, इसलिए ग्रहण नहीं करते हैं। और शमशान की ये बभूत धारण करते हुए हमें शिक्षा देते हैं, जिस शरीर में हम सारे समय को बिता देते हैं, इसको ही संवारने के लिए, इसको ही श्रृंगार, इसको ही सजाने के लिए, भैया एक दिन दो मुठी ये राख बनने वाले हैं। इसलिए शंकर जी के गले में ये मुंडक की माला और हड्डी का माला, कहते जिस शरीर को इतने प्यार करते हो एक दिन ये दो टुकड़े हड्डी बनने वाले। इसलिए भैया ये शरीर में इतना आसक्ति मत करो, आसक्ति करो तो सिर्फ ठाकुर में करो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जय जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी हर समय पंचमुख में भगवान की नाम को शंकर जी जप करते हैं, और प्रभु का नाम को कानों में दे करके जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं शंकर जी। बोले शंकर जी के शरीर में अलंकार कोई सोने चांदी धारण नहीं करते, सर्प गले में भी सर्प, कमर में भी सर्प, तो साफ ही साफ है। बोले ये सर्प कौन है? बोले अनंत नाथ सख्यात अनंत देव। बोले ये अनंत देव कौन है?
बल्कि ये शंकर जी की गुरु है। ये शिक्षा देते हैं अगर शरीर का अलंकार धारण करना तो शरीर में गुरु जी की उपदेश को अलंकार रूप में धारण करो, जिससे तुम्हारी भव बंधन तुम्हारी नष्ट हो जाए। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है, इसलिए भागवत में बताया ये वैष्णवा नाम यथा संभो, ये वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी, इसलिए इनके बगैर ठाकुर का कोई लीला ही नहीं होता है। इसलिए भगवान जब राम बन करके आए शंकर जी बोले रुद्र देहत जी नेह बस बानर भय हनुमान। शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर से हम ठाकुर की सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रेम में बसीभूत होकर के हनुमान बन करके आए और प्रभु चरण की सेवक बन करके प्रभु की सेवा करते हैं। जब कृष्ण लीला में आए शंकर जी फिर गोपी बन करके आएंगे, हम श्रवण करेंगे प्रभु जब रास करते हैं शंकर जी गोपीश्वर महादेव बन करके शंकर जी आते हैं। इसलिए इनकी हर लीला में प्रभु जी की इनकी मदद है, इसलिए वो परम संत हैं। संत क्या करते हैं, अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए शंकर जी बर्फ के ऊपर बैठे हुए, भैया कोई नहीं आए, यहीं पर आराम से मैं प्रभु की भक्ति कर सकता हूँ। शंकर तो कोशिश की छिपाने के लिए लेकिन छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं छुपा सके, बोले शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी को पास में। आप लोग बता सकते हो शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु कौन है, कौन बोलेगा हाथ उठा। शंकर जी को पास में शंकर जी कोशिश किया अपने आप को छुपाने के लिए लेकिन छुपा नहीं सके, क्योंकि उनको पास में सबसे पवित्र वस्तु है। आप लोग बता सकते हैं शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु क्या है, बोलो कौन बोलेगा, कौन बोल रहा है। हाँ, इसलिए इनकी जटा में श्री पतित पावन श्री गंगा है, इनको पास में श्री गंगा देवी। बोले श्री गंगा मैया की जय हो। इसलिए ये पवित्र वस्तु शंकर जी, ये ठाकुर जी की ये चरणामृत है, इसलिए इन्होंने अपना जटा में ठाकुर जी की उन्होंने चरणामृत को उन्होंने धारण किया है। इसलिए शंकर जी जब बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आए नंद भवन में, एक गोपी बैठी हुई थी सामने, इतने में शंकर जी ने पूछा, हमने सुना है नंद के एक लाला भयो है। इतने में वो गोपी कहती हैं, लाला भयो तो तेरे कहा भयो है, बल एक बार लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले एक पुतना आ गई थी, वो तो इतने सुंदर श्रृंगार करके आई थी, लेकिन बाद में वो निकली राक्षस, बाद में वो राक्षस निकली और तू तो देखने में वैसे लग रहे हो, इसलिए तेरे को देख करके मेरे हैं मेरा धड़कन तेज हो गया है। अभी हमारा लाला तो बड़ा छोटा है, इसलिए बड़े जल्दी उनको नजर लग जाती है, इसलिए बाबा लाला का दर्शन नहीं होएगा, सोना चांदी जो कुछ लेना लो और अपना रास्ता देखो। उन्होंने जा करके मैया को बोल दिया, बोले मैया एक बाबा कहीं से आए, कहते लाला को दर्शन करा दो, जिसको देख कर मेरा धड़कन तेज हो गई। जा करके देखो मैया जब आई, जब शंकर जी को दर्शन की, बोले बाबा कहा बात है, बोले मैंने सुना तेरे घर में के लाला भयो, बोले लाला भयो तो तेरे कहा भयो है, बोले लाला को दर्शन करा तो बड़ी आशीर्वाद दूंगो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी सद्धज करके आई थी लेकिन निकली वो राक्षसी, इसलिए सोना चांदी जो चाहते हो लो और अपना रास्ता देखो, लाला का दर्शन नहीं होगा। शंकर जी सोच रहे हैं भैया देखो प्रभु कितने प्यारी लीला कर रहे हैं। बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे है, बोले यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति नतव नखाग्र मरीचि। बोले जिनके चरण कमल को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी तपस्वी कितने कठोर साधन करते हैं, जो काल का जो काल है, जो काल का जो काल है, वो कह रहे हैं मेरे को देख करके डर जाएंगे, अभी पता नहीं प्रभु है कौन। इतने में शंकर जी वहीं त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, बस प्रभु को ध्यान लगाने लगे। बोले हे प्रभु तेरे सारे लीला मैंने दर्शन किए लेकिन तेरे बाल गोपाल लीला दर्शन नहीं कर पाया,
एक झलक दर्शन दे दे। शंकर जी की भक्ति भाव देख करके प्रभु जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दी। जितने जोर जोर से उनको थपथप लगाए कृष्ण उतना जोर जोर से रो रहे थे। पूरा परिवार समझाते समझाते थक गए। बोले आज लाला को क्या हो गया, रोना क्यों नहीं बंद हो रहा है। किसी एक गोपी ने बोले माता जी वो जो बाबा आया ना वो त्रिशूल गाड़ करके वहीं पर बैठा हुआ है। वो कह रहा है जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे यहाँ से मैं जाने वाला नहीं, जाओ लाला को दर्शन करा के ले आओ। मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, बड़ी कष्ट से ला करके शंकर जी को एक झलक दर्शन कराया। और दर्शन कराते ही कृष्ण अभी तक रो रहे थे और शंकर जी को दर्शन करते ही खिलखिला कर हंसने लग गए। इतने में कृष्ण रो रहे थे हंसने लग गए, शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिया। मैया तो समझ गई ये बाबा कुछ जानता है, लाला का तो रोना लेकर के लाला को हंसना दे दिया, मतलब ये कुछ जानता है। बोले बाबा तेरे को कोई जादू टोना आता है। बोले और क्या, मेरे को बड़ा जादू टोना आता है। बोले लाला को बड़े जल्दी नजर लग जाती है, कोई दवा है। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले एक काम करोगे लाला को नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब तेरे लाला को तुम स्नान कराओगे वो स्नान का जो पानी ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले क्यों? बोले भगवान का स्नान का जो जल वो चरणामृत है। शंकर जी को सबसे प्यारा क्या है? ठाकुर जी की चरणामृत हो, इसलिए गंगा कौन है? ये वामन देव का चरणामृत है। इसलिए देखना जो कांवरी लोग कंधे पर पानी ले जाते हैं शंकर जी के सर पर डालने के लिए, क्यों? शंकर जी इतने प्रसन्न क्यों होते हैं गंगा पानी से? क्योंकि गंगा पानी श्री वामन भगवान के चरण से निकले। जब भगवान वामन देव एक चरण को उन्होंने बढ़ाया वो ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी उनके चरण को अभिषेक करते हुए वो जो पानी कमंडल में रखा वही श्री पतित पावन गंगा है। इसलिए गंगा भगवान को शंकर जी को सबसे प्रिय है। बोले कन्या की चरणामृत सिर पर डाल देना। बोले ठीक है बाबा कर लूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले अगर और एक काम करोगे ना कभी तेरे लाला को नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब उनको भोजन खिलाओगे वो प्लेट में जो बच जाएगी प्रसाद उसको ला करके मेरे को दे देना। बोले ठीक है बाबा वो सो कर लूंगा। इसलिए आप लोग कभी नंदगांव जाओ, कभी नंदगांव जाओ, ये 5,500 साल की कथा है। अब अभी भी देखोगे ठाकुर जी के चरणामृत वहाँ पर श्री नंदीश्वर महादेव है, जो नंदगांव नहीं वो नंदीश्वर महादेव है वहाँ पर है। वो चरणामृत ला करके पहले शंकर जी के सर पर डालेंगे और ठाकुर जी को जो कृष्ण को भोग लगेगा वो प्लेट सीधा श्री शंकर जी के मंदिर में आएगा। क्योंकि जब भगवान किसी चीज को ग्रहण करते हैं वो प्रसाद होता है, लेकिन वही प्रसाद जब किसी भक्त ग्रहण करते हैं वो प्रसाद नहीं फिर महा महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाओ वहाँ कोई प्रसाद नहीं कहते हैं। बोले क्या है? बोले महाप्रसाद। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है फिर वही प्रसाद वहाँ पर माता देवी है श्री विमला देवी वहाँ पर है, फिर वो प्रसाद श्री विमला देवी को भोग लगती है। विमला कौन है? वैष्णवी। शंकर जी वैष्णव है इसलिए वो प्रसाद नहीं वो महा महाप्रसाद है। इसलिए नियम है कोई भी चीज हो पहले शंकर जी को माता जी को भोग नहीं लगानी चाहिए, सबसे पहले कृष्ण हो नहीं तो भगवान राम हो पहले उनको भोग लगा, फिर वो प्रसाद को लेकर के शंकर जी को नहीं तो माता जी को भोग लगाओ ना फिर तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं लड्डू बना करके ले जाएंगे और हनुमान के मुंह में ठोस के लो हनुमान जी खाओ। भैया हनुमान क्या भूखे हैं तेरे लड्डू खाने के लिए बैठे हुए? एक मान क्या 100 मान भी उनको सामने लड्डू रख लो ना उसको तरफ में कभी देखेंगे नहीं भी हनुमान। बोले क्यों? बोले जब तक प्रभु राम नहीं खा ले, जब तक माता जानकी नहीं खा ले, भले ही हनुमान को जितने दो वो देखने वाले भी नहीं, लेकिन अगर प्रभु राम की जानकी की भोग में लग जाए
देखना उनको देने का जरूरत नहीं, वो लपक कर खा लेंगे। इसलिए जब राम दरबार बैठता है, हनुमान जी कहाँ बैठते हैं बताओ? हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? ठाकुर जी के चरण में बैठते हैं। वो भगवान के एक अनिष्ट सेवक है, भगवान के प्रसाद के बगैर वो किसी चीज को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जितने 33 करोड़ देवादेवी, कभी आप जगन्नाथ पुरी अगर जाओगे देखोगे, जगन्नाथ मंदिर तो बीच में, जगन्नाथ लोग कृष्ण हैं, 33 करोड़ देवता चारों तरफ में बैठे हुए। जब श्री जगन्नाथ जी को भोग लगता है, एक व्यक्ति बहुत बड़ा एक मजरा लेकर के जाएगा, पूरा मंदिर को चारों तरफ में जोर जोर से बजाते बजाते घूम करके आएगा। बोले क्यों? बोले सभी देवा देवियों को निमंत्रण देते हैं, अभी कृष्ण का भोग लग गया, ठाकुर जी को भोग लग गया, आओ सबके सब प्रसाद पाने के लिए। इसलिए जितने 33 करोड़ देवता वो ठाकुर जी की प्रसाद के लिए ललचते हैं। इसलिए नियम है सबसे पहले कृष्ण को भोग लगे, बांके बिहारी को भोग लगे, प्रभु राम को नहीं तो भोग लगे, फिर वो प्रसाद 33 करोड़ देवताओं को फिर प्रदान करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बोले कितने बड़े हो गए? बोले 3 महीना के। अब देखना, बच्चा जब 3 महीना हो जाए करवट लेता है, इतने में कृष्ण ने करवट ली। मैया को तो बड़ा आनंद मिला, लाला को शरीर में ताकत आ गया, लाला ने करवट लिया। और मैया यशोदा वो देखती रहती हैं, कोई एक चांस मिले हम सारे ब्रजवासियों को घर में बुलाए और घर में ठाकुर का कीर्तन हो। जितने गोपियों को उन्होंने नौता दे दी, आज लाला ने करवट ली है, करवट लेने का आज घर में उत्सव होएगा। अभी अपना आंगन को साफ सुथरा कर दी, जितने दूध दही मक्खन को बैलगाड़ी के ऊपर रख दी और कृष्ण को स्नान करा के गाड़ी को नीचे लेटा दी। बोले क्यों? अभी गोपियाँ आएगी, गाएगी, नाचेगी, फिर लाला की कच्चा नींद टूट नहीं जाए। अभी किसको क्या लेना देना, अगर बच्चा अगर जग गया तो सारे काम बंद हो जाएगी। इसलिए उनको लेकर के बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी और गोपियाँ बैठी करके बड़ी प्यारी प्यारी भगवान की कीर्तन कर रही थी। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला, जियो श्याम लाला, कीर्तन कर
कर रही थी, इतने में कृष्ण का आंख खुल गई, बोले देखो मेरे लिए उत्सव और मेरा ही कीर्तन सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, और मेरे को उत्सव से कैसे अलग करके और बैलगाड़ी को नीचे लेता है। अभी कृष्ण अपना भजन सुनना चाहते हैं, क्योंकि यद्यपि प्रभु की कथा भजन हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन सबसे बढ़िया किसको लगता है? बोले भगवान को, ठाकुर जी को। इसलिए नारद जी जब भगवान को कभी प्रश्न की, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो, तो भगवान कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते योगियों का हृदय में मैं नहीं रहता हूँ। बोले फिर कहाँ रहते हो? बोले केवल एक जगह में तुम मेरे को पाओगे, मत भक्ता जत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते हैं, मेरी सत्संग कथा करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। अभी कृष्ण की बड़ी इच्छा और अपना कथा में आए और कीर्तन सुन इसका आनंद ले, लेकिन कृष्ण का उम्र अभी 3 महीना की, अभी घुटन पर भी प्रभु चलना नहीं आता है। कृष्ण ने सोचा अगर थोड़ी रो लूं हो सकता है मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी। कृष्ण तो रोना शुरू कर दी, लेकिन बड़े जोर तोर से कीर्तन हो रही थी, मैया तो लेन देन में लगी हुई थी, अभी कानों में रोने का आवाज ही नहीं पड़ा। कृष्ण सोचा कब तक रो, इतना तो रो लिया, अभी भी मैया मेरे को उठा करके नहीं ले जा रही। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया कंस को प्रेरणा की, और कंस ने एक त्रिना एक सकटासुर को भेज दिया। पहले ये था हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच, एक दिन लोमहर्ष ऋषि की आश्रम में प्रवेश करते हुए सारे पेड़ पौधा को तसनस कर दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले इसलिए ठाकुर इतने को इतने मोटे बनाए, ये संतों की ठाकुर जी के बाह को उजाड़ने के लिए, जाओ मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ, तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा। अभी तो धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लग गया, सारे नशा उतर गई। ठाकुर जी के चरण में गिरे ऋषि की, बोले कृष्ण जब द्वापर युग में जन्म लेंगे ठाकुर जी के चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। अभी कंस उससे भेज दिया, उसका शरीर है ही नहीं। वो गोकुल में आया, देखा कृष्ण कहाँ पर, देखा बैलगाड़ी को नीचे, वो आकर के उसके ऊपर सवार हो गया और धीरे 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 दबाने लग गया। इतने में कृष्ण ऊपर देखा, बोले भैया मामा जी आ गए, कंस मामा, उनको सारे रिश्तेदार उनको मामा लगते हैं। कृष्ण अपना धीरे 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 अपना चरणों को चलाया और ऐसे ठोकर मारे, पूरा गाड़ी के गाड़ी पलट गई, इतनी दूध दही मक्खन उसको पर रखा हुआ था सब के सब तसनस हो गया। फिर मैया ने भागते भागते मैया गई, फिर कन्हैया को ला करके कीर्तन को बीच में लेटा दी, फिर गोपियों ने फिर कीर्तन करना शुरू कर दिया। कृष्ण बोले पहले अगर मेरे को ले आते मैं इतना नटखट करता ही। हाँ देखो यहाँ पर ठाकुर जी क्या शिक्षा देते हैं, देखो इतना शिक्षा घर में लेकर के जा। ये हो रही थी उत्सव, लेकिन ये उत्सव से भगवान को यहाँ से अलग कर दिया। कहाँ रख दिया? बोले बैलगाड़ी को नीचे, और घर का जितने सामान रख दिया बैलगाड़ी को ऊपर में। मतलब है कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर घर में कोई उत्सव हो, अगर ये उत्सव से अगर मेरे को तुमने अलग कर दिया, घर का सामान को ऊपर, मतलब सांसारिक की वस्तु तो कर दिया ऊंचा और भगवान को कर दिया नीचा, ठाकुर को सुला दिया नीचे। कृष्ण कहते मैं एक दिन ऐसे एक ठोकर मारूंगा ना, सारे घर को तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए भैया जो कुछ करो मेरे को लेकर के करो, मेरे को अलग लेकर के नहीं। इसलिए इसका नाम उत्सव, उत मतलब होता है निकाल देना। अगर भगवान को अगर किसी चीज से निकाल देते हो क्या रह जाएगा? बोले सब, सब मतलब ये मरा हुआ शरीर। इसलिए जो कुछ काम करो क्या करो, भगवान को लेकर के करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर में कोई बच्चे का बर्थडे हो, नहीं तो शादी हो, देखो ना सारा दुनिया को बुलाए, सारा दुनिया को बुलाएंगे, सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन ठाकुर जैसे जैसे बैठे
दिन में दो बार अपना तीन बार ड्रेस को चेंज करेंगे। ठाकुर जी को देखो 15 दिन से 20 दिन से कपड़ा पहन कर ठाकुर जी बैठेंगे। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसका दुनिया, वो तो बैठा हुआ वैसे और सारा दुनिया को बुला करके खिला रहे हैं पिला रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान कहते भैया ऐसे करोगे ना, ऐसे ठोकर मारूंगा, सबके सब तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारी। इसलिए जो कुछ करो मेरे को लेकर के करो। इसलिए अपना लिए वस्त्र खरीदी करने से पहले, बच्चे के लिए वस्त्र खरीदी करने से पहले देखो ठाकुर जी के लिए कुछ है कि नहीं। बोले नहीं, ठाकुर को तो 5 सेट है। बोले तू अपना कितना सेट अपना गिन करके देखो, अपना घर में कितना सेट रखे हो देखो। भगवान द्रौपदी को वस्त्र क्यों दिए? एक दिन भगवान की अंगुल कट गया, ठाकुर परीक्षा कर रहे थे, उनको सब पटरानियां भी वहां पर थी। अगर अंगुल कट गया तो क्या करोगे, बैंडेज करोगे? अभी रानियां सोच रही हैं, एक एक जो साड़ी पहनी हुई सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम करोड़ों करोड़ रुपया की, उसको फाड़े कैसे? लेकिन वहां पर द्रौपदी भी थी, लेकिन द्रौपदी ने अपना इतने कीमित कपड़े को नहीं देखे, ठाकुर जी देखते देखते सामने उसने फाड़ दी और भगवान के अंगुल को उन्होंने बैंडेज कर दिया। भगवान ने बोले द्रौपदी आज तेरे प्रेम में आज मैं रीझ गया हूँ। ठाकुर जी देख रहे थे कब ये द्रौपदी का ऋणी में कब चुका, कब मेरे को मौका मिले उसकी ऋणी चुकाने के लिए। इसलिए जिस समय दुशासन ने वस्त्र हरण कर रहा था उसी समय में ही बोले 10,000 हाथी का ताकत दुशासन का समाप्त तो हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रही थी साड़ी की नारी, ना नारी बीच कोई साड़ी है, हैं? इसलिए पहले ठाकुर जी को पहले देखो, उसको बाद में दुनिया को देखो। देखो एक उदाहरण देते हैं, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से श्रृंगार करो, बढ़िया से श्रृंगार करो और शीशा सामने खड़े हो जाओ। देखना शरीर को सजाओगे तो परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, परछाई अपने आप सज जाती है। कहते भैया मूल कौन? बोले ठाकुर जी। जिसके घर में ठाकुर को पूजा सेवा जितनी अच्छे तरह से हो, जितने बढ़िया से ठाकुर का आप श्रृंगार करोगे ना, देखना उस घर में उतना खुशहाली रहेगी, घर में उतना आनंद मंगल रहेगा। क्यों? तुम ठाकुर जी को खुश रखो, भगवान से खुश रखे हो, भगवान खुश रहेगा तो तुम्हारी दुनिया खुश ही रहेगा। लेकिन अगर सारा दुनिया को खुश कर दिया लेकिन एक ठाकुर को खुश नहीं कर पाए ना, आप संसार में शांति सुख नहीं रहोगे, भले जितने पैसा क्यों नहीं आ, क्योंकि पैसा लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी ठाकुर जी का। अगर ठाकुर जी को सेवा में लक्ष्मी नहीं लगेगी, वो घर में बीमारी रोग शोक दुख कष्ट मामला मकदमा ऐसे दे देगी लक्ष्मी, बस उसको पीछे लग रहा। इसलिए ठाकुर जी यहाँ शिक्षा देते हैं, बोले भैया हर काम में ठाकुर जी का। अब देखना हमारे हिंदू घर में कोई शादी हो, पहले माताएं बैठ करके ढोलकी लेकर के ठाकुर का कीर्तन करते थे। देखना हर काम में हमारे हिंदू धर्म में हर घर घर में देखना, पहले ठाकुर को पूजा, ठाकुर को सेवा, ठाकुर का कीर्तन। क्यों? भगवान की कोई कीर्तन भजन को माध्यम से कोई भी काम करो, क्या होता है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी। और एक चीज समझो, घर में मैं पहले भी बताया, जैसे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, अपना शादी घर बना रहे हो, किसको शराब और मांस किसको मत खिलाया करो, ये पाप कर्म को कभी मत किया करो। इसलिए संतों का कहना है, भैया जिस सुबह काम में तुम इतने बोतल तुड़वाओगे, इतने जानवर को मरवाओगे, कभी भी उस कल्याण कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने ये पाप कर्म को द्वारा ये सारे काम कर रहे हो। इसलिए एक संत कह रहे थे, आप सुने होंगे कि रामानुज संप्रदाय के राम भद्राचार्य नाम सुने होंगे, वो कह रहे थे भैया जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तुड़वा रहे हो, इतने जानवर को मरवा रहे हो, कहते थे अगर उसका 100 साल उम्र हो ना, झट 50 साल में आ जाएगा, झट 50 साल में आ जाएगा। क्यों? जिसकी उद्देश्य में इतने पाप कर्म को करवा रहे हो। इसलिए घर में कोई भी उत्सव हो, ठाकुर जी को पहले भोग लगाओ, ठाकुर जी को प्रसाद लो, सबको खिलाओ, खुद खाओ, उसमें जो खाएगा भी उसको कल्याण, जिसको दोगे उनका भी कल्याण और जो करेगा उसको भी कल्याण।
इसलिए यहाँ पर टीकाकार ये कहते हैं हर काम में ठाकुर को लेकर के किया करो, फिर तो काम बढ़िया होगा। सबके सब एक बार हाथ उठा कर बोला बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोले बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन कृष्ण अभी धीरे धीरे प्रभु बड़े होते जा रहे हैं, एक दिन सोच रहे हैं ब्रज में जो कोई आए सबके सब बोलते हैं राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जम लिया। इसलिए रसखान कहते हैं भैया ब्रज में आकर के दो काम जरूर करो। बोले दो काम क्या है? बोले रमन रेती लेट नहीं कियो ना जमुना पान। ब्रज में जाकर के जरूर रमन रेत में लोट फोट जरूर खाओ क्योंकि ब्रज रज है, और जरूर जमुना में स्नान करो नहीं तो जमुना में आचमन करो। क्यों? ये जमुना कोई साधारण नहीं, ये भगवान की पटरानी ये जमुना नदी है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जो आए एक ही चीज की प्रार्थना करे राधा रानी के चरण की धूल मिल जाए। अभी कृष्ण सोचे भैया ये ब्रज रज में है क्या चीज, सारा दुनिया ब्रज रज के लिए प्रार्थना करते हैं। जब श्री उद्धव जी ब्रज में आए और उन गोपियों की महिमा को देखे ब्रजवासियों को महिमा को देखे उद्धव जैसे व्यक्ति वो कहते हैं आशा मह चरण रेणु जुसांग महंग श्यांग वृंदावन किमपि गोल मलतो सिधना। इसलिए उद्धव जी कहते हैं क्या भैया मेरा ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज में यहाँ पर गुल्म लता औषधि वृक्ष जन बन जाए। बोले यहाँ घास बनने के लिए क्यों चाहते हैं? बोले ये घास इसलिए बनना चाहता हूँ गोपियां जब कृष्ण से मिलने जाएंगे चल करके जाएंगे अगर हम घास बन रहेंगे तो मेरे सर पर उनकी चरण का धूल बन पड़ेगा, इसलिए जीवन धन्य हो जाएगा। बोले यहाँ पर लता क्यों बनना चाहते हो? बोले अगर लता बनेंगे तो ठाकुर की कुंजो कुंजो में लीला करेंगे, अगर लता बने रहेंगे तो ठाकुर का दर्शन मिल जाएगा। बोले औषधि वृक्ष क्यों बनना चाहते हो? बोले कभी अगर बीमारी पड़े दवा तो लेंगे ही, फिर उनके हृदय में मैं चला जाऊंगा। ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? बोले श्री उद्धव जी। बोले उद्धव जी हे कौन? कृष्ण स्वयं कहते हैं हे उद्धव ना तथा मैं प्रियतम आत्म ज्वलिर न शंकर, तू जितना मेरे प्यारे हो मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना मेरे प्यारा नहीं। कहते हरिहर एकात्मा श्री शंकर भी इतना मेरे प्यारा नहीं। बोले इनकी बात छोड़ दो मेरी जो लक्ष्मी वो भी मेरी इतना प्यारी नहीं। बोले लक्ष्मी की बात छोड़ो मेरे भैया श्री दाऊ बलदेव प्रभु इतना प्यारा नहीं। बोले बलदेव की बात छोड़ो मैं भी इतना मेरा प्यारा नहीं। हे उद्धव तू जितने मेरे प्यारे हो, इतने उद्धव जी प्यारे ठाकुर जी को। लेकिन उद्धव जैसे व्यक्ति ये ब्रज का धूल बनना चाहते हैं। बोले ब्रह्मा जी हम आगे सुनेंगे, ब्रह्मा जी जब उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा को समझे जो सृष्टि करता ब्रह्मा जी वो कहते हैं बोले तद भूरि भाग्यम इह जन्मम किम अटव्यम चत गोकुलापि कथमांग्रजो विषेकम। कहते क्या मेरा ऐसे सौभाग्य होगा? बोले क्या सौभाग्य? बोले ब्रज में जो बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनकी घर को सामने मेरी पत्थर जन्म हो जाए, क्योंकि जब घर को अंदर में जाएंगे पत्थर में चरण रगड़ेंगे अपना प्यार रख करके पत्थरों को पर अपना प्यार को धोएंगे, अगर उनकी चरण धोली मिल जाए ना ब्रह्मा कहते भैया मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। मतलब ये ब्रज की इतने सौभाग्य ब्रज इतने महत्वपूर्ण ब्रज है। इसलिए शंकर भी देखो स्वयं अभी जा वृंदावन में शंकर भी गोपीश्वर बन करके बैठोगी। वृंदावन तो बारह शंकर है, चारों तरफ में शंकर ही शंकर है।
पूरा चारी तरफ में शंकर जी बैठे हुए, कपाल मोचन, भूतेश्वर, रंगेश्वर, कामेश्वर, चकलेश्वर, ऐसे 12 शंकर श्री संपूर्ण ब्रज मंडल में शंकर ही शंकर चारी तरफ में बैठे हुए। इसलिए कृष्ण सोचते हैं जो ब्रज में आए यही चीज ही प्रार्थना करे, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिली जाए। भैया ये ब्रज धूल में है क्या चीज, क्यों ये सारा दुनिया ब्रज रज को चाहते हैं। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे और ठाकुर जी मिट्टी खा ली। सखाओं ने मना किया, कन्हैया मिट्टी मत खाया करो, पेट खराब हो जाएगा। कृष्ण किसकी बात ही नहीं, उसने खाते ही खाते जा रहे। किसने जा करके मैया से शिकायत कर दी और मैया तो सीधा लठिया लेकर के आ गई और सीधा कृष्ण का कान को पकड़ी। बोले अपवित्र, बोले जिनका नाम लेने से जी पवित्र हो जाता है तो अपवित्र है, इसलिए दुष्ट, घर में क्या मक्खन की कमी, तुमने आज मिट्टी कैसे खाई तो खाई कैसे। कृष्ण तो सफेद झूठ बोल दिए। बोले मैया ना अहम भक्षितवानंभो सर्वे मिथ्या विसंसिनम। बोले मैया ये तुम सखालों को झूठ बोल रहे हैं। बोले तू एक सत्यवादी हरिश्चंद्र सब झूठे। बोले हाँ मैया। बोले मैया जी कहा भयो, तेरे को पता है। बोले कहा भयो। बोले ये सखा लोग अपना अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ सब चोरी चोरी करके लाते। मैया तेरे को पता है मैं चोरी का चीज कभी खाता ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने जोर जबरदस्ती मेरे को बोले तू खा और मैंने खाया नहीं। वो समझ गए अभी तो ये चुगली कर देंगे हमारे नाम पर, और मैं चुगली करने से पहले ये मेरे नाम पर चुगली कर दिए और इनकी बात आने में तू जल्दी आ जाती हो। बोले ये दाऊ क्या झूठ बोलता है, दाऊ तो कभी झूठ बोलेगा नहीं। बोले दाऊ तू सच बता। बोले मैया मैंने भी देखा कृष्ण को मिट्टी खाते हुए, फिर कृष्ण कहाँ जा रहे। कृष्ण बोले मैया ये जो दाऊ भैया ना वो देखने में तो ऊपर लगते हैं गोरे लेकिन अंदर से बड़े काले हैं। मैं ऊपर में तो काला हूं लेकिन अंदर से मैं बड़े गोरो हूं। बोले मतलब क्या है। बलदेव एक रहस्य बात बताते हैं, आप लोग वृंदावन में जाओ बलदेव प्रभु तो गोरे हैं लेकिन कहीं ब्रज में कहीं भी बलदेव प्रभु का गोरे नहीं देखोगे, सब जगह में काले ही काले देखोगे। बोले क्यों। बोले वो कृष्ण चिंतन करते 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 वो काले बने। आप कृष्ण कहते मैं ऊपर में तो काले हूं लेकिन अंदर में गोरा हूं, मतलब क्या। बोले मैं राधा रानी को चिंतन करता हूँ, मेरे हृदय में श्री राधा रानी का निवास है इसलिए अंदर में मैं गोरो हूं। इतने में मैया बोली ये क्या सबके सब झूठ बोलते हैं, अब तू एक सच्चा बोल, तुम एक सत्यवादी हरिश्चंदा। बोले मैया मैं तो सूरज को हाथ उठा करके बोल सकता हूँ, जमुना में ठारो होकर के बोल सकता हूँ, गैया का पीठ के ऊपर हाथ रख करके बोल सकता हूँ, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। कृष्ण ने कहा मैया अगर मिट्टी खाई तो मुंह से तो खाई। बोले हाँ। बोले मेरे मुंह खोल कर देख ले। मैया तो एक धमकी लगाई तो इतने में कृष्ण मुंह झट खुल गया तो कृष्ण को इतनी छोटी सी मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया। मैया खुद को खुद अंदर में देख रही थी, कृष्ण के मुंह के अंदर भी वे स्वयं बैठी। इतने में मैया जसदा तो डर गई, डर करके उन्होंने आंख बंद कर दी तो इतने में कृष्ण अपना जोग माया के प्रभाव से सारे लीला खत्म कर दी। देखा वही कृष्ण के छोटी सी मुंह है और कुछ है ही नहीं। हाँ देखो अब लोग ये बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं। बोलो कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, खाए थे ना। फिर कृष्ण यहाँ पर झूठ कैसे बोला, मैंने मिट्टी नहीं खाई। भगवान झूठ बोल दिया ना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। श्री बल्लभाचार्य एक वैष्णव हमारे वैष्णव संप्रदाय वो कहते भैया कभी ठाकुर झूठ बोलते नहीं। क्यों, अगर भगवान अगर झूठ बोलेंगे दुनिया झूठा तो हो जाएगा ना। लेकिन भागवत का प्रथम श्लोक में बताया सत्यंग परम धीमही, भगवान परम सत्य है। जब ठाकुर जी देव के गर्भ में आए 33 करोड़ देवता एक साथ में बोल रहे थे, बोले सत्यम व्रतम सत्य
परम त्रिसत्य सत्यस ज्योनि निहितं च सत्ये सत्यस सत्यामृत सत्यनेत्रे सत्यात्मकत्वाम् शरणं प्रपद्ये। ये 33 करोड़ देवता प्रभु को स्तुति कर रहे थे। हे प्रभु, आप भी पहले सनातन थे, अभी भी सत्य, बाद में भी सत्य रहेंगे। आपका धाम सत्य, आप भी सत्य हो, आपका सत्य सब सत्य है। पर भगवान झूठ कैसे बोलेंगे? ठाकुर जी झूठ कैसे बोलेंगे? दुनिया भर झूठा हो जाएगा। तो उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाए ठाकुर जी झूठ कैसे नहीं बोले। आप लोग भी समझो, कहते खाना किसे कहते हैं? जब हमसे कोई चीज अलग हो तब तो खाना कहते हैं ना। इसलिए मानो कृष्ण अपना मुंह में दिखाया, बोले मैया मैंने मिट्टी कब खाई? ये विश्व ब्रह्मांड तो सबके सब मेरे उधर में, सारा दुनिया तो मेरे में। मेरे से कोई अलग हो तब तो उसको खाना कहते हैं ना, लेकिन दुनिया तो मेरे अंदर में, मेरे खाया कब? ये पहला कारण। दूसरा कारण बताए, ये जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है, इसको जब अलग कर देते हैं ना, हो जाता है ना अहम भक्षित वानम को। ना अहम मतलब मैं नहीं, ये हो जाता है मैं नहीं। लेकिन जब ये शब्दों को अलग नहीं करके जब शब्दों को एक कर देते हैं वो हो जाता है नाहम। ये नाम का संस्कृत में शब्द होता है ब्रह्मांड। बोले माँ तुम मिट्टी की बात क्या करते हो? ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने तो खा करके रखा, तेरे को विश्वास नहीं हो रही है? मैया देख ले। तो उन्होंने मुंह खोल करके अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा दिया। बोले माँ ये जो ब्रज रज को मैंने अकेले नहीं खाया माँ, देख ये विश्व ब्रह्मांड, ये ब्रज रज के लिए ये विश्व ब्रह्मांड तरसते हैं, हमें भी ये ब्रज रज मिले। मैंने विश्व ब्रह्मांड को मैंने ये ब्रज रज दिया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में गया चराते हुए बरसाने में पहुंचे। सखा ने कहा कन्हैया बड़े तेज से भूख लग रहा है, कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दे। बोले आओ मेरे साथ में। आप लोग बरसाना गए हैं? कौन कौन बरसाना गए हो हाथ उठाओ तो। बरसाना गए हैं आप लोगों ने? गौहर वन की परिक्रमा लगाई? कौन कौन गौहर वन की परिक्रमा लगाई हाथ उठाओ। बहुत कम लोग लगाए, दो चार भक्त लोग लगाए। आप देखना जब आप गौहर वन की परिक्रमा करते हो वहां पर एक साकिरी कोहरा आता है, दोनों तरफ में दो देखोगे पर्वत है, अद्भुत दृश्य है, जो नहीं देखे जरूर जाकर के देखना। इधर जो जो पहाड़ है, दो पहाड़ है, इधर का जो पहाड़ जैसे राधा रानी गोरी है देखना, वो पहाड़ ठीक गोरे रंग के, और इधर का जो पर्वत देखोगे कृष्ण जैसे काले हैं वो पर्वत ठीक वैसे काले हैं। मानो राधा कृष्ण की ये जुगल मिलन है, अद्भुत दृश्य है, कभी जरूर जा करके दर्शन करना।
लेकिन उसको बीच में एक मार्ग है जिसको कहते हैं साकिरी खोर। साकिरी मतलब होता है सकिर नवा पतली, खोर मतलब होता है रास्ता। कभी आप जाना जो गए थे आपको पता होगा, जिसमें एक व्यक्ति को छोड़ करके दो व्यक्ति गली में जा ही नहीं सकती है। इसलिए प्रेम गली अति साकिरी ताहे ना द्वये समाए, वो अद्भुत दृश्य है। कृष्ण वहीं पर सखाओं को साथ में गैया चरा रहे थे, बोले आ जाओ कोई चिंता नहीं, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दूं। एक गोपी अपना सर के ऊपर में दूध दही लेकर के जा रही थी, इतने में कृष्ण क्या किया, पहाड़ के ऊपर में चढ़े और एक पत्थर उठा करके मारे, मारते ही मटकी फूट गई और वो तो गोपी दूध दही से एकदम स्नान कर ली। और वहां पर बहुत सारी सखाए थे, गोपी अकेली थी और सबके सब जोर जबरदस्त दूध दही और छीन छान कर खा लिया। इतने में गोपी जाकर के राधा रानी से शिकायत की, बोले देखो राधे, मैं तो दूध दही लेकर के जा रहा था और कृष्ण आ करके मटकी फोड़ करके सारे दूध दही को खा लिए। बोले क्या, ये नंदगांव से आकर के बरसाना में हैं अपना सखियों को ऊपर में अत्याचार, कल उसको मजा चखाई। बोले एक काम करो, जाओ झाड़ी को, झाड़ियों में सबके सब चारों तरफ में छुप जाओ, पहला दिन खाए वो जरूर दूसरे दिन भी आएंगे। बोले देखो फिर आज अगर कृष्ण आए ना, तुम हुसल मारना, देखना हम चारों तरफ में घेर जाएंगे, पूरा के पूरा चारों तरफ में घेर गए। और उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ करके कृष्ण को लहंगा चुंदरी पहना दिया, कृष्ण का सर के ऊपर में दूध दही मक्खन की उन्होंने मटकी रखे और एक गोपी पहाड़ के ऊपर में चढ़ करके उठाया पत्थर और मारे, और मारते ही मटकी तो फूट गई और वो जो गोपी थी दूध दही से पूरा के पूरा स्नान करी। बोले और है वो जो कृष्ण को बनाया था गोपी, कृष्ण दूध दही से स्नान कर लिया। बोले और तू ऐसे करोगे कान पकड़, कृष्ण कान पकड़, बोले उठ उठ बैठे कर। बोले खबरदार कभी गोपियों को साथ में अत्याचार नहीं करना, इसलिए वो बड़ा सुंदर प्यारा स्थान है, बड़ा प्यारा स्थान है, उसमें एक सुंदर भजन है, मेरे नंद जी को लाला अला बेला और मेरी मटकी में मार गयो डेला। हमारे प्रभु जी अभी वो भजन को गाएंगे, हमारे कृष्णदास प्रभु जी आप लोग भजन को पीछे पीछे दोहराते रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राम। ओ मेरे नंद जी को लाला अलबेला, ओ मेरी मटकी में मार गयो डेला, ओ मेरे नंद जी को लाला अलबेला, मेरी सखी मटकी में मार गयो डेला, मेरे मंदिर में मार गयो डेला, मेरे मंदिर में मार गयो डेला, मेरे मंदिर में मार गयो डेला, मैं मन कर दिया, मैं तुझको
जब कृष्ण को दूध पिलाया करती थी, मक्खन खिलाती थी, अभी गोपियों के मन में भी इच्छा होती है क्या कृष्ण कभी हमारे घर में भी आएंगे, हम भी इनको गोद में बैठा करके दूध और मक्खन खिलाया करें। अभी कृष्ण इनकी भावना को समझते हुए कृष्ण सोचा, अपना घर में एक दिन मक्खन चोरी करके देख लेता हूँ, मैं पकड़ में आता हूँ कि नहीं, फिर तो दूसरे घर में मक्खन चोरी करूंगा। मैया का नजर बचाते हुए मैया अपना घर, कृष्ण मक्खन चोरी कर रहा था। नंद बाबा का घर सोने हीरे जवाहरात से बना हुआ, जो पिलर वो मणि से बनी हुई। कृष्ण का उम्र अभी 2.5 साल के, कृष्ण जब अपना घर में वो मक्खन चोरी कर रहे थे, कृष्ण को पता नहीं परछाई भी कोई चीज होता है, उनका परछाई मणि स्तंभों के ऊपर में पड़ा। कृष्ण को ऐसे लगा जैसे मैं अपना घर में मक्खन चोरी कर रहा हूँ, मेरे जैसे और भी कोई एक बालक मक्खन चोरी कर रहा है। कृष्ण देखा, उसको देख लिया, लगता है मैया को बोल नहीं दे, सोचा इसको साथ में अपना मित्रत्व स्थापन कर लेता हूँ। बोले कैसे करे, बोले कुछ खिलाए और उससे कुछ खाए। कृष्ण मक्खन निकाल करके बोले, देख तू भी ये मक्खन खा और मैं भी खाता हूँ,
लेकिन ये मैया को ये बात बताना नहीं। अभी परछाई भी वही बात बताया, बोले तू भी खा मैं भी खाता हूं, लेकिन मैया को बोलना नहीं। इतने में कृष्ण बोले तू मेरे घर में आ करके तुम मेरे को उपदेश दे रहे हो, परछाई भी वही बोला। अभी कृष्ण तो अपना परछाई से ही लड़ाई शुरू कर दी। मैया पास घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो कोई है ही नहीं, ये लाला किसको साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। इतने में मैया धीरे धीरे आई, देखा वो अपना परछाई से ही कृष्णा लड़ रहा था। इतने में मैया बोले लाला तू किससे लड़ रहे हो, बोले भैया मैया भी देख लिया। कृष्ण वहां छलांग लगाए, वो जो मणि पिलर था उसको ऐसे पकड़ लिए, बोले मैया मैया हमारे घर में चोर घुस आए हुए। बोले कहां पर, बोले ये पिलर को अंदर में। बोले लाला कितने भोले वाला, देखो अपना परछाई को कहता है घर में दूसरा चोर आ गया। बोले घर में तो चोर आ गया, ये बताओ तेरे हाथों में मक्खन कैसा है। बोले भैया ये भी सही है। बोले मैया मैं जब मेरे हाथ में जो तुमने कंगन पहना दी थी ये गर्म हो गया था, इसको मक्खन में डाल कर उसको ठंडा कर रहा था। बोले तू हाथ को तो ठंडा कर रहा था लेकिन तेरे मुंह में मक्खन कैसे लग गया। बोले भैया ये भी सही। बोले मैया मैंने जो चिट्ठी को हटाते समय वो मुंह में मक्खन लग गया। मैया बोली लाला तू मेरा अकेले लाला है, जो कुछ बनाती हूँ तेरे लिए बनाती हूँ, इसे चोरी करने का क्या जरूरत। कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार मक्खन चोरी किया तो पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर में पकड़े में ही आऊंगा। ऐसे ही कृष्ण घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते थे। एक दिन एक गोपी ने सोचा आज कृष्ण को मैं घर में बांध करके रखूंगा, कृष्ण भाग जाता है उनको पूरा के पूरा दर्शन नहीं कर पाती हूँ। इतने में कृष्ण जब उसकी घर में मक्खन चोरी कर रहे थे, इतने में वो गोपी झट पकड़ ली, बोले आज कहाँ जाओगे, आज तो तेरे को तो मैं घर में बांध करके रखूंगी। कृष्ण ने कहा देख गोपी मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही मक्खन खा रहा था। बोले अपना घर में, इधर आओ ये खंभे के ऊपर तुम हाथ रखो। इतने में वो गोपी अपना चोटी से अपना रिबन को फीता को निकाली, जब कृष्ण को बांधने के लिए जाए प्रभु का हाथ तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, वो खिसक जाए बंधन में आए नहीं। कृष्ण ने कहा गोपी कभी तुमने स्वयं बंध गई कि नहीं। बोले नहीं। बोले कन्हैया तेरे को क्या बांधना आता है। बोले और क्या, मैं तो बड़े बड़े योगियों को बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपना प्रेम रज्जु में बांध देता हूँ। बोले गोपी हाथ रख खंभे के ऊपर, अभी तेरे को सिखाता हूँ। वो गोपी हाथ रखी, कृष्ण एक लपेटे दो लपेटे, एक गांठ दो गांठ और गुण गांठ अच्छे तरह से बांध दिया कृष्ण को गोपी को। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, मैं जिसको बांध देता हूँ ना फिर मैं खोलना मेरे को आता नहीं। बोले लाला एक बार खोल दे। बोले गोपी ने तो सबको बांधना ही सीखा, अभी तक तक इसको खोलना सीखा ही नहीं। बस कृष्ण नौ दो ग्यारह वहां से हो गए। बोले एक समय ऐसे एक गोपी रोज बोलती है, बोले मैया मेरे घर में तेरे लाला मक्खन चोरी करता है। मैया कहती है देख एक बार रंगे हाथों से पकड़ा करके दिखा दे फिर मैं मानूंगी, नहीं तो मैं मानने वाला नहीं हूं। मेरे घर में क्या किसी चीज की कमी। आप लोग नंदगांव में जाओगे, नंदगांव गए हो, वहां पर देखना एक छाछ कुंड है। बोले इतना वहां छाछ हुआ करता था, पीने वाले नहीं होते थे, उसको लेकर कुछ में उड़ाल देते थे क्योंकि नंद बाबा का घर में 9 लाख गैया है। एक दिन मैया ने नंद बाबा को बोले, बोले लगता है कृष्ण कमजोर हो रहा है। बोले कमजोर हो रहा है, कल मैं दूध का एक नदी बना देता हूँ, लाला उसमें खूब तैरते रहे और जी भर करके दूध पिए। दूसरे दिन नंद बाबा दूध का उन्होंने तालाब ही बना दिया सचमुच से, इसलिए वहां पर 9 लाख धेनु है। बोले मेरे को विश्वास नहीं मेरे लाला तुम्हारे घर में मक्खन चोरी करती है, एक बार रंगे हाथों से पकड़ा करके दिखा दे। बोले ठीक है। तो गोपी पहले से ही मटकी में मक्खन को धर दी और कोने में चुपकी से बैठी गई। कृष्ण आए, आगे देखे पीछे देखे, कोई है नहीं।
अंदर में धीरे 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 अंदर में गए और प्रभु मक्खन खाना शुरू कर दिया। वो गोपी तो कृष्ण के लिए ही मक्खन बनाए, बोले कृष्ण खा ले फिर मैं पकड़ूंगी। जब कृष्ण मक्खन खा लिए इतने में गोपी जाकर झट पकड़ लिए, बोले कहां जाओगे, चलो मैया को पास में ले चलती हूँ। कृष्ण ने कहा देख गोपी कल से तेरे घर में और नहीं आऊंगा, आज छोड़ दे। बोले नहीं मैया मानती नहीं, तू घर में मक्खन चोरी करते हो। कृष्ण बहुत मनाने के लिए कोशिश की, बोले तेरे पाम पड़ता हूँ, तेरे खसम की पाम पड़ता हूँ, तेरे ननद की, तेरे जेठ की, तेरी बिछुआ की, छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ू, चल मैया के पास में। जब कृष्ण को लेकर के आ रही थी, देखा घर को सामने नंद बाबा बैठे हुए। नंद बाबा लगते थे जेठ, आपको पता होगा पहले जेठ को पर्दा करते थे सबके सब, जेठ को सामने कोई नहीं जाते थे। देखा सामने बैठे हुए जेठ नंद बाबा, सोचा पीछे गेट से कृष्ण को पीछे गेट से ले जाऊंगी। इतने में कृष्ण को ऊपर में एक कपड़े से ढक दी और अपना घूंघट को नीचे उतार दी। लेकिन कृष्ण तो भगवान है, उनको कपड़े ढकते ही कृष्ण उनका बेटा ही बन गया। अब पीछे दरवाजा से आई, बोले मैया जसोदे। मैया बोली कहा बात है, बोले तू मानती नहीं ना, तेरे लाला हमारे घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो रंगे हाथों सही पकड़ करके मैं लाई। लेकिन उसी समय मैया जसोदा कृष्ण को पलंग को ऊपर में थपथपी लगा करके सुला रही थी, कृष्ण अंदर में सो रहे थे। मैया ने सोचा मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, फिर एक इसको पकड़ करके लाई है। माँ जसोदा बाहर निकल करके देखती है, वो अपना बेटे को ही पकड़ करके लाई। बोले कहा बात है, बोले तेरे बेटा मेरे घर में मक्खन चोरी कर रहा था, रंगे हाथों से पकड़ करके लाई है। मैया बोली मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तू तो अपना बेटे को पकड़ करके लाई। जब उसने अपना घूंघट को उतारी और बच्चे के ऊपर से कपड़ा को निकाला ना, देखा उसका अपना बेटा है। और कृष्ण अंदर में सो रहे थे, वो आंख को मलते मलते ही आए, बोले मैया तुमने देख लिया ये गोपी कितना झूठ बोलती है, मैं तो अपना घर छोड़कर कभी जाता ही नहीं किसी घर में, अगर ये इसे झूठ बोलेगी ना फिर तो मैं रोज जाया करूंगा, फिर रोज उसके घर में मक्खन चोरी करूंगा। प्रभु ऐसे ही जब वो गोपी जा रही थी, कृष्ण दूसरे रास्ता से आ गए। क्यों गोपी क्या बात है, मैंने कितने तुम्हारे पाम पड़ा, तेरे जेठ की ननद की तुमने सुनी नहीं, देखा आज तेरे बेटे को ही मैंने चोर बना दी, अगर भविष्य में पकड़ करके लाओगे ना तेरे खसम को ही चोर बना दूंगा। बोले लाला मैं हार गई हूँ तू जीत गए। ऐसे ही कृष्ण ब्रज में घर घर में प्रभु सुंदर सुंदर प्रभु लीला करते थे। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को बोले कृष्ण लगता है तेरा शादी नहीं हुई। बोले क्यों मैया, सारा दुनिया तो शादी के लिए पागल बनते हैं, लिखाई पढ़ाई जो कुछ करते हैं किसके लिए, शादी के लिए तो करते हैं ना। अब तू कहते हो मेरी शादी नहीं होगी। बोले बेटा ये बताओ तुम्हारी शादी होगी कैसे, पूरा ब्रज में हल्ला हो गया है, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा, बताओ, लगता है तू कुंवारा का कुंवारा रह जाओगे। कृष्ण ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई, मैया कहती मेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं, मैया को विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की। देखो कृष्ण क्या एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग ये भजन तो सबके सब जानते हो, भले मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, I'm not afraid of the dark.
अब लोग ये सूरदास जी का भजन आप सब सुने होंगे। देखो कृष्ण क्या एग्जाम्पल देते हैं, बोले मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बोले चार प्रहर बंसी बेटे भट को सांझ पड़ो घर आयो, बोले हाँ, बोले तीन भर तेरे गोद में सोता रहा, सवेरे तुमने भेज दिया गैया चराने के लिए, तीन भर मधुवन में गैया चराते चराते शाम को आकर के तेरे गोद में सोया था कि नहीं, बोले हाँ, बोले तीन भर गैया चराया रात को तेरे गोद में सोया, बता फिर मैंने मक्खन कब चोरी की, बोले मैं बालक बही अन्न को छोटो काई विधि छिके पायो, मैं इतना छोटा सा बालक हूँ और मक्खन छिके के ऊपर रखते हैं, बताओ मेरे हाथ कैसे वहां पर पहुंचा, बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है, बोले मैया जो सखा लोग है ना ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हो, ये सबके सब बरबस मेरे मुंह में ये मक्खन लगा कर खुद तो खाते हैं और मेरे को ये चोर बना देते हैं, और तू इतने भोली भाली हो और इनकी बात में जल्दी जल्दी आ जाती, बोले मैया लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, मेरे को कोई जन्म दे करके शायद कोई मेरे को फेंक करके चला गया था और तुमने वहां से उठा करके ले आई और मेरे को घर में लालन पालन कर रही हो, क्योंकि दुनिया मेरे को मक्खन चोर कहते हैं और तू भी मेरे को मक्खन चोर कहती हो, लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं। इतना सुनते ही मैया का हृदय एकदम पिघल गया, फिर मैया ने कृष्ण को अपना गोद में भर लेती है, बोले लाला तुमने मक्खन नहीं खाई, फिर कृष्ण उसको बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण उसको बदला देते हैं। देखो भगवान ये मक्खन चोरी क्यों करते थे, इसके अंदर में संतों ने एक बड़ा सुंदर रहस्य बताया। हम लोगों ने घर में कोई कोई मक्खन बनाते हो, घर में कौन कौन मक्खन बनाते हो हाथ उठाओ, तो किसने किसने बनाया मक्खन बनाया बनाया ना। देखो उन्होंने बड़े सुंदर एक एग्जाम्पल दिया, उसका नाम है माखन। माखन मतलब क्या, माख मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं। ठाकुर जी किस चीज को चोरी करते हैं, बोले जहां पर जिसके हृदय में ये काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य नहीं, बोले भैया किसकी हृदय में नहीं, बोले ये संतों का हृदय में नहीं, बोले संतों में सबसे बड़े संत कौन है, बोले ये ब्रज की गोपियां हैं, इनकी जैसे बड़ा संत दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनके चरण की धूल को वंदना करते हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी जिनकी चरण की धूल को प्राप्ति करना चाहते हैं, शंकर जैसे व्यक्ति भी गोपी बनकर के आते हैं, इतने बड़े ये संत हैं, इसलिए इनका नाम गोपी। गोपी मतलब क्या है, गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना, मतलब नित्य निरंतर अपना इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती है ये गोपी है, ये कोई स्त्रियां नहीं है, ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है। हम लोग कल सुन रहे थे ये वेद का मंत्र, दंडकारण्य का ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी ये पूर्व जन्म में कठोर तपस्या करके इसी जीवन में ये गोपी रूप में आए, ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं, नहीं तो शंकर क्यों फिर गोपी बन करके आते, शंकर फिर क्यों गोपी बनते। इसलिए यहां पर बताए मक्खन मतलब होता है मख मतलब नहीं, क्रोध नहीं मतलब नहीं, जिनके हृदय में काम क्रोध नहीं, जिनके हृदय में किसके हृदय में नहीं, बोले संतो, संत में गोपियां सर्वश्रेष्ठ, इसलिए जिसको तुलसीदास जी कहते हैं ना, बोले संत हृदय ना बनी ता समाना, संत हृदय ना बनी
गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, संतों का हृदय ही ये मक्खन है। हाँ देखो मक्खन कैसे बनता है, पहले दूध लाओ, पहले दूध को गर्म करो। बोले दूध गर्म करना मतलब क्या होता है, बोले जब किसी के हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगी, ठाकुर हमें कैसे मिले, ठाकुर हमें कैसे मिले, ठाकुर जी का दर्शन कैसे हो, यही है दूध गर्म होना। अभी हृदय में जब हृदय में उत्कंठा आएगी, फिर भगवत इच्छा से हमें किसी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। सद्गुरु हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं, जैसे दूध गर्म हो गया, फिर उसको अंदर में जमन डालते हैं, कि ये जमन क्या है, बोले सद्गुरु हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं, यही मंत्र ही इसमें जमन है। अभी जमन डल गया, उसके बाद में क्या करो, फिर उसको बाद में मंथन करो। बोले भैया मंथन का मतलब क्या, बोले गुरु जी से तो मंत्र ले लिया, लेकिन अगर मंत्र को जप नहीं करेंगे फिर क्या प्रभु की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें साधन करनी चाहिए जीवन में। केवल गुरु जी से माला ले लिया, हरिनाम लिया, अगर माला जप नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, भगवान थोड़ी मिलेंगे। जैसे यहाँ से आप कलकत्ता के लिए नहीं तो बम्बे के लिए कोई भी टिकट बनाओ, अगर टिकट को अगर पकेट में रख लोगे फिर क्या बम्बे पहुंच जाएंगे। अभी आपको रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, अपना कोच नंबर देख करके बैठना पड़ेगा, फिर ये ट्रेन लेकर के हमको बम्बे तक छोड़ेगी। उसी तरह हमने गुरु जी से माला लिए, हरिनाम लिए, जब प्रभु का नाम जप नहीं करेंगे फिर कैसे पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें साधन की जरूरत है, हमें साधन भजन की जरूरत है। देखो कि छोटी सी कथा सुनो, छोटी सी कहानी सुनो। बोले एक समय कोई एक गुरु जी थे, उनको दो चेले थे। गुरु जी ने दोनों चेले को आम की दो गुठली दी, बोले देखो बच्चों ये दो गुठली ले लो, अगर इसको घर को सामने बोगे ना, बड़ा सुंदर एक वृक्ष होगा, जो वृक्ष तुम्हारे घर के ऊपर में बड़े सुंदर छाया प्रदान करेगी और बड़े सुंदर सुंदर मीठा फल भी देगा, तुम उसको खा भी सकते हो, तुम उसको बिजनेस में भी लगा सकते हो, तुम्हारी संसार भी इससे पलेगा। अभी उन्होंने दो शिष्यों को दो गुठली आम की दी। एक शिष्य ने लेकर के गुठली को घर को सामने गाड़ दिया, गाड़ करके अपना घड़ी को देखते हुए उसको पर मिट्टी ढक दी और पानी दे दी और एक घंटा तक बैठा रहा। बोले गुरु जी ने बताया यहाँ से वृक्ष होगा, पहले तो एक अंकुर निकलेगा, फिर दो पत्ता आएगा, फिर सुंदर टहनी आएगी। लेकिन उसने एक घंटा तक बैठा रहा देखने के लिए, लेकिन देखा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने मिट्टी को खोदा तो वैसे को तैसे, फिर उन्हें ढक करके पानी दे दिया, दे करके फिर दो घंटा वहां पर बैठा रहा। उसको बाद में देखता है फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे करते करते उसने रात भर वहां पर बैठा, सवेरे देखा कुछ भी नहीं। उसने वो आम का गुठली को लाए और गुरु जी को पर दे मार। बोले गुरु जी आप इतने झूठ बोला, रात भर मेरी नींद खराब हो गई है, आपने बताया एक अंकुर आएगी, दो पत्ते, फिर टहनी आएगी, बड़े सुंदर वृक्ष होगा, फल होगा, आज रात भर मेरे को नींद नहीं आई, आपने इतने झूठ बोला। दूसरे चेले को भी गुठली दिया था, अभी गुरु जी ने जो बोला सही बोला है। अभी गुरु जी की वाक्यों को दृढ़ विश्वास करते हुए घर को सामने वो भी गुठली को काट दिए और उसमें पानी देते रहे। देखा सचमुच से 10 दिन में देखा सचमुच से एक सुंदर अंकुर आया। उसको तो गुरु जी को पर बड़ा विश्वास हो गया, गुरु जी तो सही बोल रहे थे। जब फिर 20 दिन हुआ ना, देखा सचमुच से उसमें दो पत्ते आए, गुरु जी को पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया। फिर देखा 1 महीना में सचमुच से छोटी सी वृक्ष आई, फिर 2 महीना में और थोड़ा बड़ा, जब 1 साल हो गया ना, देखा सचमुच से सुंदर एक आम का वृक्ष हुआ। 2 साल हो गया तो वो वृक्ष, और 3 साल में तो पूरा के पूरा घर को छाया कर दिया और सचमुच से उसमें सुंदर सुंदर फूल और सुंदर सुंदर उसमें फल आया। और जितने आए ना गुरु जी का प्रति उतना ही विश्वास होते गया। सचमुच से जब आम आया, जब पहला आम पका हुआ,
तो उसको लेकर गुरुजी को पास में गया, बोले गुरुजी आपने जैसे बताया ना ठीक वैसे ही बड़ा सुंदर आम है, अब लो ठाकुर जी को भोग लगाओ और उसको प्रसाद पाओ। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कभी कभी हम भगवान के नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन जब तक हम सही नहीं जप करेंगे, अगर गुरु जी को दोष देंगे बोले गुरु जी ये मंत्र तो कोई काम नहीं कर रहा है, आपके पास में और कोई मंत्र है कि नहीं। देखो भगवान का जो नाम है ना, इससे बड़ा मंत्र दुनिया में कुछ नहीं। वाल्मीकि को जब नारद बोले राम बोलो, उसका मुंह से राम ही नहीं निकला, क्यों? वो बड़ा पापी था, बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए अगर वो उल्टा नाम जपते जगह जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार करह सुमन मनमाई, अगर वो उल्टा मरा मरा करते करते अगर वो वाल्मीकि बन जाए, अगर हम ठाकुर का सीधा नाम लेंगे फिर हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी एक उदाहरण देकर समझाए, आप लोग खेती में कोई बीज लगाए हो, खेती में कोई बीज लगाए कि नहीं? जैसे देखे गेहूं का बीज, जो किसान वो बीज लेकर के ना जमीन में इसे फेंक देता है, जमीन में फेंक देता है, भले ही वो बीज उल्टा गिरे सीधा गिरे कैसे भी गिरे, लेकिन जो पेड़ होता है कैसे होता है बोलो, पेड़ कैसे होगा? वो सीधा होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के नाम में इतने शक्ति, इतने शक्ति, किसी तरह से अगर मुंह से ठाकुर का नाम निकल गया ना, बोले अशेष अगहरम विदो, करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप को ठाकुर का नाम नष्ट कर देता है। भगवान राम जिस समय पुल बंध रहा था, सारे बंदर लोग पत्थर ला रहे थे और उसको ऊपर में राम का नाम हनुमान लिख करके पानी में छोड़ रहा था, प्रभु देख रहे थे वो पत्थर तैर रहा था, भगवान राम वहीं पर बैठ बैठ करके देख रहे थे, प्रभु को बड़ा आश्चर्य लग रहा था, भैया मेरे नाम में क्या शक्ति है, ये पत्थर को ऊपर लिख करके छोड़ रहे तो ये पत्थर तैर रहा है। प्रभु राम ने सोचा मैं भी एक दो पत्थर उठा करके पानी में फेंक कर देखता हूँ वो डूबता ना तैरता है। अभी प्रभु राम ने सोचा अगर सबके सामने फेंकू अगर ये डूब जाएगा तो दुनिया क्या बोलेगा, बोला आपका नाम का बल पर पानी तैर रहा है, अब स्वयं राम फेंके तो डूब गया, मेरे नाक कान कट जाएगी। भगवान राम ने एक झाड़ी को अंदर में गए और एक पत्थर उठाया और पानी में फेंका, फेंका तो देखा वो पत्थर डूब गई। भगवान बोले ये क्या हो रहा है, पत्थर डूबा कैसे? उन्होंने और एक पत्थर उठाए वो भी पानी में फेंके, देखा वो भी डूब गया, बोले ये क्या हो रहा है, मेरे नाम के बल पर पत्थर तैर रहा है, मैं स्वयं राम हूं, ये मैं स्वयं फेंक रहा हूं, डूबता क्यों? हनुमान जी देखा इधर उधर प्रभु कहां गए, ये प्रभु दिख नहीं रहे। इतने में हनुमान जी ढूंढते ढूंढते देखा प्रभु एक झाड़ी को अंदर में बैठी करके बच्चे जैसे पत्थर को पानी में फेंकते हैं, ठाकुर भी ऐसे पत्थर को पानी में फेंक रहे थे। इतने में हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो, बच्चे जैसे ये पत्थर को पानी में कैसे फेंक रहे हो, बोले तू कहां से आ गया, बोले प्रभु आपको तो छोड़ करके मैं रह ही नहीं सकता हूं, बोले प्रभु ये बताओ ये क्या लीला कर रहे हो, बोले हनुमान जी मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका आ गई, बोले प्रभु आपकी मन में, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले तुम लोग मेरे नाम को लिख करके पत्थर में छोड़ रहे हो, वो पत्थर तैर रहा है, मैं स्वयं राम हूं अब पत्थर को फेंक रहा हूं ये पत्थर डूब रहा है, मेरे समझ में आए नहीं रही है। हनुमान जी ने कहा प्रभु तो सीधी साधी बात है, बोले क्या है, बोले पत्थर क्यों तैर रहा है, चुपके उसको ऊपर में आपका नाम लिखा हुआ, आपका नाम का बल पर ये पत्थर तैर रहा है, बोले आप फेंकने पर डूब क्यों रहा है, बोले प्रभु दुनिया का मालिक तो आप है ना, फेंकना मतलब क्या है, उठाए आप फेंके, फेंकना मतलब क्या, आप उसको छोड़ दिया, आप उसको त्याग दे दिया, बोले प्रभु आप तो दुनिया का मालिक हो, अगर आप किसको पकड़ करके अगर फेंक दोगे वो कभी तैरेगा, वो तो डूब ही जाएगा, वो तो
डूब जाएगा। इसलिए ये सब के सब डूब रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम को हमें दृढ़ विश्वास करके ठाकुर का नाम हमें लेनी चाहिए। इसलिए आप लोग भी रोज रोज सवेरे नहा धो करके थोड़ी समय ठाकुर का अब नाम लो। अब स्वयं देखना, जब आप ठाकुर का नाम लेंगे ना, घर में जितने बड़े से बड़े परेशानी क्यों नहीं हो, घर में बड़े से बड़े दुख कष्ट क्यों नहीं हो, हम स्वयं ये चीज को देख लेना। इसलिए कहते ना, मंगल भवन अमंगल हरि, कहीं जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठो, हो सकता तो परिवार को लेकर बैठ जाओ। अब देखना, जो बड़े से बड़े दुख अगर आपकी घर से जा ही नहीं रहे किसी तरह से, केवल बैठ करके हरि कीर्तन थोड़ा कर लो, आप देख लेना हरि कीर्तन में इतने शक्ति, जितना दूर तक उसका आवाज गूंजेगी, जितने दूर तक उसका आवाज जाएगी। इसलिए भागवत में बताए, मधुरम मधुरम मेतत मंगलंग मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीति स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नरमात्र तारयत कृष्ण नाम। भगवान का जो नाम है, बल्कि ये मधुर से भी मधुर है और ये मंगल से भी मंगल ठाकुर का नाम, बल्कि जितने सारे शास्त्र का जो निचोड़ है वो ठाकुर का नाम है, ठाकुर का नाम। इसलिए आप लोग घर में बैठ करके थोड़ी थोड़ी रोज रोज हरि कीर्तन करो, आप देखना हरि कीर्तन से घर का जितने अशांति जितने दुख कष्ट घर की अपनी आप दूर हो जाएगा, अपनी आप दूर हो जाएगा, आपको हटाने का जरूरत नहीं, अपनी आप दूर हो जाएगा। देखो रामायण में और एक कथा आती है, बोले एक समय सुकांत नाम का कोई के राजा था, वो सत्संग में जा रहा था। अभी बीच में नारद जी आ गए, बोले भैया कहाँ जा रहे हो, बोले आज सुमेरु पर्वत ऊपर में आज बड़े बड़े संत लोग आ रहे हैं, सत्संग में जा रहा हूं। बोले देख बेटा, सत्संग में जा रहे हो, सबसे पहले जाकर के संतों का चरण छूना। बोले आप लोग तो यही सिखाया, पहले जाकर के संतों का चरण छूनी चाहिए। जब फिर जा रहे थे, बोले इधर आओ, बोले फिर क्या बात है, बोले वहां पर देखना सारे संत बैठे हुए होंगे, सबके चरण छूना, लेकिन देखना वहां विश्वामित्र भी होंगे। बोले हाँ होएंगे, बोले सबका चरण तो छूना, केवल विश्वामित्र के चरण नहीं छूना। बोले क्यों, जब सबके चरण छूंगा विश्वामित्र का भी चरण छूंगा। बोले तेरे को बोल दिया ना, ये विश्वामित्र पहले ये क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय से फिर ब्रह्मर्षि बने, इसलिए विश्वामित्र की चरण छूने का कोई जरूरत नहीं। बोले ठीक है। अभी सुमेरु पर्वत के ऊपर में पहुंचे, देखा सारे संत लोग लाइन में बैठते हुए, सभी के चरण को उन्होंने स्पर्श किया, लेकिन बीच में श्री विश्वामित्र जी थे, केवल विश्वामित्र जी के चरणों को उन्होंने छुए। और विश्वामित्र जी राम की गुरु है, और भरी सभा में अगर सभी की चरण छुओ और एक संत की चरण मत छो, क्या होगा, उनको तो बड़ा अपमान बोध हुआ, बड़ा क्रोध उनका आया। सत्संग समाप्त तो होते ही वो सीधा विश्वामित्र आए अयोध्या में। उसी समय में भगवान राम विश्राम कर रहे थे, श्री लक्ष्मण जी चौकीदारी कर रहे थे। बोले प्रभु राम से मैं मिलना चाहता हूं। बोले प्रभु राम अभी सो रहे हैं। बोले जिस देश का राजा ऐसे सोते हुए होते हैं, उनके देश में ऐसे अनहोनी होता है, इसलिए अभी अभी राम से मिलना चाहता हूं। इतने में भगवान राम ने विश्राम कर रहे थे, इतने में बाहर निकल करके आए और देखा सामने श्री गुरु जी, तब उन्होंने गुरु जी के चरणों को छुए। बोले गुरु जी क्या बात है, आप इतना क्रोधित क्यों हो। बोले देखो मेरे नहीं, ये संत परंपरा की अपमान है, ये सुकांत जी ने सारे संतों को तब चरण स्पर्श की, लेकिन भरी सभा में मेरे चरण को स्पर्श नहीं किए, मेरे चरण में सर नहीं झुकाए। इतना सुनते ही राम को बड़ा क्रोध आया। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, करो कल सवेरे ये सुकांत जी जो सर को नहीं नमाया, इसका सर ही मैं काट दूंगा।
अब ये बात धीरे 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 ये बात गई सुकांत जी के पास में। अभी सुकांत जी सुनते ही तो रोना शुरू कर दिए, बोलिए नारद जी गड़बड़ कर दिए, क्यों बताए, इनकी चरण स्पर्श मत करो। अभी नारद जी को ढूंढ रहे, नारद जी गए कहां, लेकिन नारद मिले ही नहीं। बोले जब तक मैं ढूंढ नहीं रहा था तब तो मिले, जब जरूरत तभी नहीं मिल रहे, रोना शुरू कर दिया। इतने में श्री नारद जी वहां पर आए, बोले क्या बात है, बोले कल भगवान राम सबेर मेरे सर को काटना चाहते हैं। बोले अहो भाग्य है, भगवान का हाथ में मरोगे तो तुमको मुक्ति मिलेगी। बोले मैं मरना नहीं चाहता हूं। बोले बताओ दुनिया में कौन मरना चाहता है, दुनिया में तो कोई मरना ही नहीं चाहते, लेकिन सबको मरना पड़ता, मरते जगह तो सबको मरना पड़ेगा। बोले नहीं मैं तो मरना नहीं चाहता हूं। इतने में बोले एक काम करो, तुम श्री अंजना की शरण में चले जाओ। आप लोग बताओ तो अंजना कौन है, अंजना माता जी कौन है, बोलो अंजना कौन है, बोलो हनुमान जी की माँ की नाम अंजना है। इतने में सुकांत जाकर के अंजना की चरण में गिर पड़े और रोने लगे। और माताओं का जो हृदय है ना बड़ा कोमल होता है। बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। बोले माता जी आप मेरे प्राण रक्षा करोगे तभी तुम्हें बताऊंगा। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, तेरा प्राण मैं रक्षा करूंगा। बोले कल सवेरे विश्वामित्र मेरे को मरवाना चाहते हैं, मेरे को रक्षा करो मैया, मेरे को रक्षा करो। बोले बेटा एक काम करो, जाओ अंदर में तुम बैठ जाओ। अभी हनुमान जी शाम को प्रभु की सेवा करते हुए आए, देखा माता जी सामने दुखी होकर के बैठी हुई। बोले माता जी क्या बात है, हनुमान जैसे बेटे रहते हुए आप दुखी क्यों। बोले बेटा एक शरणागत व्यक्ति का प्राण तुम्हें रक्षा करना पड़ेगा। बोले मैया चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। तो उन्होंने सुकांत जी को बुलाया, बोले बताओ बात क्या। बोले कल सवेरे भगवान मेरे को मारना, भगवान राम मेरे को मारना चाहते हैं। अंजना बोली तू तो बोल रहा था विश्वामित्र मरना चाहते। बोले भगवान विश्वामित्र राम को द्वारा मेरे को मरवाना चाहते हैं। हनुमान तो विपत्ति में फंस रहे। बोले और कोई होता तो मैं देख लेता, मेरे प्रभु जब स्वयं प्रतिज्ञा की कल सवेरे इसको वध करेंगे, मेरे प्रभु के पास में से कैसे रक्षा कर सकता हूं। अभी तो हनुमान महाचिंता में पड़ गए। बोले कोई चिंता नहीं, आओ मेरे साथ में, चलो हम दोनों बैठ करके, तुम मेरे पूछ को नीचे बैठ जाओ, चलो हम दोनों ठाकुर का नाम जप करते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, प्रभु के नाम में कितने शक्ति है, कैसे प्रभु का नाम जो जप करते हैं प्रभु भी उसको बिगाड़ नहीं पाते हैं। अभी दोनों बैठ करके प्रभु का नाम जप करना शुरू किया। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, पतित पावन सीता, जय रघुपति राघव राजा राम 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 पतित पावन सीता, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। इतने में भगवान राम धनुष बाण लेकर के ढूंढ रहे हैं, वो दुष्ट गया कहां, वो आकर के देखा दोनों बैठ करके प्रभु का नाम जप कर रहे थे। और सुकांत हनुमान जी को बोल रहे थे, बोले हनुमान जी ये जो दो अक्षर राम नाम है क्या ये हमें रक्षा कर पाएगा। हनुमान जी बोल रहे चिंता क्यों करते हो, हरि से बड़ा हरि का नाम बेटा विश्वास पूर्वक ठाकुर का नाम जप करो। एक तो प्रेम से जप कर रहा है,
और एक भय से जप कर रहा था, प्रेम से हनुमान जी जप कर रहे थे और भय से सुकांत जप कर रहा था। इतने में भगवान राम जब आए, उठाया धनुष, धनुष उठा करके जब उन्होंने प्रहार किया, बोले प्रभु का बाण कैसे है, बोले जब पकड़ते हैं ना वो हो जाता है एक गुण, जब निकालते हैं होता है सौ, जब चढ़ाते हैं होता है हजार, जब खींचते होता है लाख, जब छोड़ते हैं वो होता है एक करोड़, फिर जब जाकर लगता है उसको प्राण को ले लेता है। इतने शक्ति प्रभु का बाण में, रावण जैसे व्यक्ति और बाली जैसे व्यक्ति को एक बाण से जो समाप्त कर लिए। लेकिन प्रभु जब बाण मारे, लेकिन वो तो प्रभु का नाम जप कर रहे थे, वो नाम रूपी जो चक्र चारी तरफ में उनको रक्षा कर रहा था। तो जितने बाण मारे, लेकिन बाण तो जाता है, लग करके गिर जाता है, लग करके गिर जाता, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? वो नाम रूपी चक्र को अंदर में वो बैठे हुए हैं। इतने में लक्ष्मण को तो बड़ा क्रोध आया, बोले प्रभु को तो ये तंग कर रहा है। लक्ष्मण उठाया धनुष और सीधा उन्होंने सुकांत को किया, वो सीधा हनुमान को ऊपर छोड़े, लेकिन वो बाण तो लगा हनुमान की छाती में, लेकिन हनुमान को छाती में लगते ही इतने में जो वहां प्रभु राम थे ना, प्रभु राम बेहोश हो गए। बोले राम क्यों बेहोश हो गए? बोले हनुमान के हृदय में कौन बैठे हुए रहते हैं? हनुमान के हृदय में कौन है? राम है, उनका हृदय में प्रभु राम बैठे हुए हैं। इसलिए बाण तो लगा हनुमान को, लेकिन प्रभु राम बेहोश हो गए। जब उनको होश आया, इतने में भगवान राम कह रहे हैं, बोले नार सुकांत जी ये बताओ, तेरी ये दुर्बुद्धि कौन सा असत संग से हुआ है? तुमने मेरे गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। बोले ठाकुर जी असत संग से नहीं, ये सत्संग से हुई। बोले सत्संग से? बोले कौन सा सत्संग से? बोले नारद जी के। इतने में नारद जी को पूछा, बोले नारद जी तुमने इसको कैसे तुमने बताया जब मेरे गुरु जी को प्रणाम नहीं करने के लिए, इसका क्या रहस्य है? नारद जी ने प्रभु बोले एक रहस्य इसमें ही छुपा हुआ, जहां जहां मैं जाता हूं सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी बड़ा ना ठाकुर जी के नाम की बड़ा, सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, अभी मैं कितने लोगों को उत्तर दूं, इसलिए मैंने सोचा ऐसे एक लीला करके दिखा दूं सारा दुनिया को, क्या पता चले हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, आत्मे मिथिला है हरि से बड़ा हरि बड़ा प्रभु सारा, प्रभु से बड़ा प्रभु सारा, लंग सके बिना कुल पीना काम कर लूं, दुनिया को पता चले हरि से बड़ा हरि का नाम, इसलिए प्रभु मैंने की। विश्वामित्र जी ने, प्रभु राम ने कहा नारद जी ये बताओ, अभी गुरु जी को मैं मुंह क्या दिखाऊं,
मैंने कहा था कल सवेरे ये सुकांत को वध करूंगा, अभी बताओ गुरुजी को मैं मुंह क्या दिखाऊं। इतने में देखते देखते श्री विश्वामित्र जी आए। जब आए नारद जी सुकांत को बोले, सुकांत जी जाओ जल्दी जल्दी गुरु जी के चरण में नतमस्तक कर लो, गुरु जी को प्रणाम कर लो। इतने में सुकांत जाकर के श्री विश्वामित्र जी के चरण में गिर गए। जो संत होते हैं वो संघार नहीं करते हैं, संत सवार थे, संत रक्षा करते हैं। जब गुरु जी के चरण में गिर पड़े, इतने में विश्वामित्र का हृदय प्रेम में गदगद हो गया। बोले राम तुम मेरे वजह से, तुमने कहा था सुकांत जी को मारोगे, मैंने इसके अपराध को माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो, बस माफ कर दिया। इसलिए देखो अगर आप ठाकुर का नाम जप करोगे ना, भगवान भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो भगवान की बाण अचूक है, अगर प्रभु का नाम अगर हम जप करेंगे, भगवान का बाण भी वहां निष्फल हो जाता है। इतने प्रभु नाम की महिमा। इसलिए आप लोग भी उठते बैठते चलते फिरते हाथों में जो कुछ कर ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह में ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए। ठीक है, एक बार सबके सब हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर से बोलिए, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसलिए ये मंथन मतलब होता है प्रभु का नाम जप करना। जब दधी को मंथन करके किया होगा, बोले एक तरफ में मक्खन निकलेगा और एक तरफ में छाछ। बोले ये मक्खन मतलब क्या? बोले ठाकुर जी का नाम को जब हम जप करेंगे, एक दिन स्वयं ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। इसलिए नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए नामी को चिंता रहती, क्या चिंता रहती है? नाम ना हो बदनाम। जो मेरे नाम को लेता है, जैसे मेरे नाम कभी बदनाम नहीं होनी चाहिए। इसलिए द्रौपदी ने जब नाम पुकारे, झट आ गए घनश्याम। द्रौपदी ने नाम लेते ठाकुर जी कहां द्वारका और कहां हस्तिनापुर, झट ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। इसलिए प्रभु का नाम मंथन ही ये जब करना, प्रेम निकलेगा, प्रभु दर्शन होगा। जब मक्खन निकलेगा फिर क्या होगा? मक्खन निकलेगा तो फिर ठाकुर जी दौड़ दौड़ करके आएंगे और वो मक्खन को सेवा करेंगे। इसलिए कृष्ण जब मक्खन चोरी करते थे, वो मक्खन चोरी नहीं करते थे, वो गोपियों के हृदय को चोरी करने जाते थे। वो तो सारा दुनिया की मालिक है, वो चोरी क्या करेंगे, दुनिया तो उन्हीं का है ना। इसलिए ये मक्खन चोरी का बड़ा रहस्य है। बोले श्री मक्खन चोर भगवान जय जय श्री राम। ये मटके फोड़ने के लिए किसको बनाया? कि नहीं ग्वाल वाल बनाया है, तैयार हो गए? तैयार है ना? हाँ उनको बुला दो, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे और जिसके द्वारा ये मटकी को ठाकुर आकर फोड़ेंगे, उनको बुला कर ले। बोलिए माखन चोर भगवान की जय जय श्री राम। सभी रात सपने में आए हाँ भैया पी गए, हमर भैया पी गए Oh
Thank you.
धोखा दिया है ऐसा लग रहा है। आप कल के साथ प्रेम से देखो, मैं राजस्थान में गया था, वहां एक माता जी आई मेरे पास। मेरे कहने का मतलब ये जो कथा में है ना, बहुत मीठी मीठी नींद आती है, किसी को पता नहीं चलता है कब नींद आ गई है ना। तो राजस्थान में गया था, एक माता जी आई, बोले खाने के बोलो। मैंने कहा माता जी बोलो क्या बात है। बोले खाने के बोलो, हरी कथा तो इतनी अच्छी है, इतनी मधुर है, इतनी मधुर है, कहा बोलो। मैंने कहा माता जी आपने कथा में क्या सुना, कौन सा प्रसंग सुना बताइए। बोले मौनी मैंने कोनी पतो खाने के बोलो, हरी कथा तो इतनी मधुर है, इतनी मधुर है। मैंने कहा बताइए माता जी प्रश्न बताए, कौन से प्रश्न आपने सुना। तो बोले बेटा खाने के बोलो, मैं दिन में 10-10 गोली खाऊं तो मानी गोली नींद आ जाए, नींद की गोली, लेकिन भारी कथा में बैठ कर ही नींद आ जाए। तो इसलिए ताली बजाएंगे सब लोग, जैसे कि नींद ना आए। सभी लोग एक बार हाथ उठाकर क्या बोलना है, अरे राधे हाँ हरे कृष्ण। देखो एक समय जब महाराज बड़े दुखी होकर बैठे हुए थे, ध्यान देख रहे, जब महाराज बड़े दुखी थे, उनका 3 बेटियां थी। बोले पिताजी क्या बात है, आप दुखी क्यों हो। बोले क्या बताऊं बेटियां, ये जगत में संत लोग आकर के ऐसे ज्ञान की बात बताते हैं, जो सुनते हैं भजन में लग जाते हैं, और जो भजन कर सीधा वैकुंठ। अभी धीरे धीरे ये नरक खाली होते जा रहा है। पर 3 बेटियों ने कहा पिताजी हम आपकी बेटी है ना, बताओ ना क्या सेवा करेंगे। बोले देख सबसे छोटी बेटी का नाम है जीव जीवानी। बोले अगर कोई कथा सुने तू जाकर के पहले उसका सर पर बैठ जाए, आते ही आपकी अपनी आप जीव जीव अपनी आप शरीर में आलस का जंभाई आने लग जाए। दूसरे बेटी को बोले तुम्हारे नाम है झुलझुलानी, दूसरे नंबर में तुम बैठ जाना फिर तो झूमने लग जाए। और तीसरे बेटी का नाम सुलसुलानी, बोले तीसरे नंबर में जब तुम बैठ जाओगे ना हाथ पैर फेंक करके पूरा सो जाएगा, क्योंकि सो जाएगा तो कथा नहीं सुन पाएगा। और बिनु सत्संग विवेक ना हो फिर ज्ञान नहीं होगा, फिर ज्ञान नहीं होगा तो भजन नहीं करेगा। इसलिए जब कथा हो ना, ये 3 बेटियां बड़ी जोर जबरदस्ती काम करती है। इसलिए सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे ऊपर। हमारे एक बार सुना, एक समय हमारे गुरु जी को किसी ने बताया, बोले गुरु जी भजन का समय में बड़ी नींद आती है, कथा में नींद आती। गुरु जी ने कहा नोट गिनते समय नींद आती कि नहीं। बोले नोट गिनते समय नींद आती। बोले नहीं। बोले क्यों क्यों नींद नहीं आती है, उससे पता नहीं नोट अगर काम नहीं चलेगा। इसलिए जब तुमको पता चलेगा भैया प्रभु की भक्ति के बगैर कोई काम नहीं चलेगा, तब तक नींद नहीं आएगी ना। इसलिए जन्म की 3 बेटियों से सावधान रहो, नहीं तो सो जाओगे तो बस फिर तो झुलझुला झिमझिमानी आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे फिर से। अच्छा वृंदावन में लोग क्या बोलते हैं, राधे राधे। पीछे से आवाज बिल्कुल कम आ रही है, आज व्रत है क्या। सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे उधर, गोप लोग तो उठाई नहीं जा, हमें पता नहीं क्या हाथ उठाने से क्या मिल जाएगा। बोले उनका पहले बोलते हैं क्या मिलते हैं, हाथ उठाए जो उसके बाद हाथ उठाएंगे। इसलिए सब लोग एक बार हाथ उठाएंगे, नहीं नहीं बोलेंगे क्या, राधे राधे। हम ध्यान से बोलेंगे, नहीं फिर बोलो हरे ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, आवाज नहीं आ रही, I'm gonna go get some more.
मथन चोर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे कृष्ण क्या हो गया, तुम लोग खड़े क्यों हो, क्या फोटो लेना है? हाँ कथा के बाद में बढ़िया से, अभी कृष्ण को, अभी गिरिराज कृष्ण उठाएगा ना, इसलिए कृष्ण वैसे सज करके रहे, कथा के बाद में बढ़िया से फोटो लेंगे। सब के सब बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, सब के सब बैठ जाओ। अभी हमारे प्रभु, हमारे बीच में हमारे एक प्रभु जी है जो बच्चों को सवेरे क्लास देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। अभी प्रभु जी, माताएं सब बैठ जाओ, कोई खड़े मत रहो, माताएं कोई खड़े नहीं रहना, सबके सब बैठ जाओ। हरे कृष्णा, सबके सब बैठ जाओ, कोई खड़े मत हो, जब सबके सब बैठ जाओ, वहां नहीं बैठना, सीधा करके बैठो, उधर उधर जाकर बैठो, यहाँ नहीं, फिर कथा नहीं सुनेगा आपको, देखे नहीं। हरे कृष्णा, एक बार सबके सब हाथ उठाकर बोलो, तुम वहां चले जाओ, हमारे चले भाई, एक बार हाथ उठाकर बोलिए, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। महाराज जी का आदेश पालन करने से पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ कि वे हम सब पर मुझ पर कृपा करें कि जिस कार्य से ये साधु संत लोग इस जगत में आते हैं, हम वो प्राप्त कर पाए, सफल कर पाए अपने मनुष्य जीवन को। तत्पश्चात व्यास आसीन पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। उनसे भी यही निवेदन करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर अपना कृपा आशीर्वाद बरसाएं और जिस कार्य के लिए वो इस खुर्जा में आए हैं उस कार्य को वो हो जाए, और जो ये भगवत प्रेम में या जो भगवत नाम में जो प्रेम हो, रुचि हो, ये हमें हो जाए। तो महाराज जी का आदेश हुआ है कुछ बोलने का। पिछले 5 दिन से हम यहाँ पे बच्चों का सेमिनार कर रहे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं यहाँ, कुछ बच्चे वहाँ। एक प्रश्न मेरा बड़ों से है आज, कौन से देश में रहते हो आप? पीछे कौन से देश में हो? हाँ आप पक्का? हाँ माता जी पीछे कहाँ हो? नहीं, हिंदुस्तान, अलग अलग नाम आएंगे। अब मैं बताऊंगा भारत क्या है, उसके बाद आप सोचना कि क्या भारत में है, ठीक है? भारत, भारत नाम कैसे आया, ये नाम कैसे आया? हां जी, राजा भरत से आया। इस नाम का अर्थ क्या है, कहां आता? अच्छा, अर्थ नहीं, हमारा जन्म भारत में हुआ। कईयों को 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, इस देश के नाम का अर्थ क्या है प्रयास नहीं किया। चलो आज बता देते हैं, आए ये तो। भा प्लस रथ। भास्कर किसे कहते हैं, क्यों? हर चीज का, हमारी जो ये लैंग्वेज है ना, संस्कृत, देवनागरी स्क्रिप्ट इतनी सुंदर है, एक एक धातु से प्रत्यय, क्या क्या अलग अलग के नए नए शब्द बनते हैं। तो धातु क्या है? भा, जिसका अर्थ है प्रकाश। भास्कर जो प्रकाश देता है, कौन है? सूर्य। ऐसे ही भारत जो प्रकाश से रत है, क्या है? प्रकाश से रत है, ये है भारत। किस चीज का प्रकाश है ये?
ये प्रकाश किस चीज के लिए आवश्यक है, क्या जरूरत है इस प्रकाश की, क्यों बना भारतवर्ष, क्यों? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अंधकार में था। किस अंधकार में? किस अंधकार में? अज्ञान। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। शास्त्रों का ये श्लोक क्या कह रहा है कि अज्ञान रूपी इस आंखों में ज्ञान रूपी अंजन लगाने के लिए, तो कौन सा देश लगाएगा? जिसके पास वो होगा। वो कौन सा देश है? भारत, जिसके पास पूर्ण प्रकाश है। किस चीज का प्रकाश है? चार वेदों का प्रकाश है, उपनिषदों का, पुराणों का प्रकाश है, जो एक मनुष्य को सबसे पहले ये सिखाता है कि मनुष्य तू है क्या? हम माता जी पीछे बैठे हो, पता है आप कौन हो? ये बच्चों को पता है, आत्मा और निर्जीव शरीर के साथ। ये 5 दिन का असर है इनमें, ठीक है। ये ज्ञान, इस ज्ञान को पता क्या हुआ है? जिन्होंने इस्कॉन बनाया, हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी, वो गए लंदन। तो लंदन वाले ने ना हंस के बोला, रिपोर्टर्स ने ना थोड़ा मजाक करने की कोशिश करी, अरे आप पे तो हम राज करके आए हैं, अब क्या लेने आए हो यहाँ पे, अब किस लिए आए हो यहाँ पे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप आए और बाहर की चीजें लूट के ले गए, जो मेन हमारे पास चीज थी ना, वो आपको पता भी नहीं चला। अब मैं आया हूं फ्री में देने के लिए। क्या? ये ज्ञान, जिससे आंखें खुलेंगी, ये पता चलेगा कि ये मनुष्य शरीर किस लिए बना है। क्या इस मनुष्य शरीर किस लिए बना है? अगर मैं माताओं से पूछूंगा तो कहेंगी किस लिए मिला है? चूल्हा चौकी करने के लिए, बच्चे पालने के लिए। अब भैयाओं से पूछूंगा तो क्या बोलेंगे? भाई गृहस्थ जीवन है, पूछो मत। सुबह निकलता हूं शेर बन के, रात को आता हूं चूहा बन के, पूरा दिन घिसता रहता हूं अपने आप को, पूरा दिन अपने आप को घिसता रहता हूं अपने लिए। और अगर दोनों से पूछूंगा अपने लिए क्या किया, हाँ माता जी अपने लिए क्या किया आज तक, आपने अपने लिए क्या किया आज तक? क्या? कुछ नहीं। हालांकि किसी से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, आपकी उम्र क्या है? 60+ तो होगी, वो है तो उम्र तो मिली है हमें लाइफ, पर इतनी उम्र होने के बाद भी अगर मैं ये कहूं मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो 60-70 साल क्या किया फिर? शुरू में माता पिता ने जैसा बोला वैसा किया, फिर पति ने जैसा बोला वैसा किया, फिर बच्चों ने जैसा बोला वैसा किया, फिर नाती पोते हो गए उन्होंने जैसा बोला वैसे किया। उस बुढ़ापे में जिसमें घुटने में दर्द होता है, हम घोड़े बने हुए हैं, किसके? नाती पोतियों के। माता जी तो अच्छी हैं, बचपन से प्रभु चरणों में हैं। इस मनुष्य जीवन का ये जो प्रकाश है, ये भारत ने दिया, इसीलिए भारत क्या बन गया? पूरे विश्व ब्रह्मांड का गुरु बनने योग्य हो गया। पर आज की दयनीय स्थिति देखो, क्या मैं उस ज्ञान में हूं? क्या मैं उस ज्ञान में हूं? हां या ना? हां? नहीं, नहीं, नहीं। तो मैं भारत में हूं? मैं भारत में हूं? हां। ये कौन सा भारत हुआ? मैं अंधकार में बैठा हूं और मैं कह रहा हूं मैं प्रकाश में हूं, कह सकता हूं मैं? अगर ये मैं कह रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैम क्या बोल रहा हूं? झूठ, मैं झूठ बोल रहा हूं। पर आज इस भारत को देखो, ये भारत अमेरिका में है, लंदन में है, चाइना में है, पाकिस्तान में है, इराक, दुबई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, पूरे ब्रह्मांड में ये भारत आ रहा है। कैसे? क्यों? क्योंकि भारत केवल एक जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है। किसका नाम है? उस जमीन के टुकड़े की सभ्यता संस्कार का नाम है, इस ज्ञान का नाम है, इस पूरे वेदों शास्त्रों की जो वाणी है इसका नाम भारत है।
अगर ये मेरे अंदर मैं किसी भी थोड़ा सा भी ले रहा हूं, अभी सूर्य को तो मैं पूरा नहीं ले रहा, पर फिर भी क्या सूर्य पड़ रहा है आप लोगों पे? हाँ दीदी वहां पे सूर्य पड़ रहा है आप पे? सूरज पड़ रहा है माता जी? सूरज पड़ रहा है? पड़ रहा है सूरज इतना बड़ा, आप इतने से पड़ जाएगा तो क्या हालत हो जाएगी? पर उसकी एक किरण भी अगर मेरे पे पड़ती है तो मैं क्या कहता हूं? सूरज मुझ पे पड़ रहा है, मैं सूरज में हूं। ऐसे ही इसका एक किरण भी ले जाओगे ना तो मैं किस में हूं? भारत में। ठीक है, मैं किस में हूं? भारत में। और यही भारत ने हमें अपने मनुष्य जीवन के बारे में बताया, खाली हमें नहीं। एक बात मैं बच्चों को भी बता रहा था कि सारे इन्वेंशन डिस्कवरी कब से शुरू हुई पता है आपको? हमने गौर भी नहीं किया होगा कि केवल मुश्किल से 300-400 साल पहले से, या ज्यादा से ज्यादा 600 साल पहले से। वो क्या टाइम है? जब मुगल और ये ब्रिटिशर्स ये हमारे यहां पे आने लगे। वो आए, उन्होंने देखा, अरे ये क्या है भारत, ये कैसा देश है, इतना संपन्न। महाराज जी कह रहे थे ना, जनक महाराज जी ने जब बारात को बुलाया तो किसमें खा खिला के फेंका? सोने में। ठीक है, वो सोना, वो पीकॉक थ्रोन, वो सब अंग्रेज ले गए, पर मेन चीज क्या थी? यहां के संस्कार, यहां की सभ्यता एकदम अटूट। उन्होंने इसीलिए क्या किया? इन वेदों शास्त्रों को पढ़ा और उसमें से इन्वेंशन डिस्कवरी करी। खुद सोचो, विमानों के बारे में कहां पे लिखा हुआ है? पहले कहां पे लिखा हुआ है? रामायण, हमारे वेदों में। पुष्पक विमान, ऐसा विमान जो किससे कंट्रोल होता है? मन से कंट्रोल होता है, किसी जीपीएस से या मोबाइल फोन से कंट्रोल नहीं होता है। तो हम किस देश के वासी हैं? हम भारत देश के वासी हैं। ये गाना भी आया, जिस देश में गंगा बहती है। किसी गीतकार ने बड़ा अच्छा गाना लिखने की कोशिश करी, पर हम वो गाना भूल के कहां पे आ गए? पता नहीं क्या क्या सिंगर चल रहे हैं आज की डेट में, जिन्होंने भारत को ढक दिया। किससे ढक दिया? वो वेस्टर्न कचड़े से, पाश्चात्य कचड़े से, रॉक पॉप हिप हॉप पता नहीं क्या क्या। आज का बच्चा क्या बनना चाहता है? रैपर बनना चाहता है कोई गली बॉय? हाँ, एक दीदी आते हैं हमारे यहां मठ में, कहते मेरा बच्चा सारा दिन कहता यो माँ ये है वो है, रोटी दे ये दे वो दे, कहते सारा दिन सोचता मैं रैपर बनूंगा। कैसा रैपर बनेगा वो? बिल्कुल वो वाला रैपर बन जाएगा, चॉकलेट का रैपर होता है ना। चॉकलेट के रैपर का क्या करते हो? खोलते हो, चॉकलेट निकालते हो, रैपर कहां गया? कचड़े में। ऐसे ही उसका जीवन कैसा हो जाएगा? रैपर जैसा। मिला था काम करने के लिए कुछ, पर नहीं कर पाया तो कहां जाएगा? कचड़े में। और इस संसार का कचड़ा क्या है? कचड़ा घर कहां है? कहां ले जाते हो शरीर को? कहां लेके जाते हो? कहां? शमशान में जाके फूंक देते हैं, या फिर कब्रिस्तान में जाके गाड़ देते हैं। कहता देखा रैपर था, रैपर ही रह गया। यही चीज समझाने के लिए हम जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, महाराज जी जगह जगह जाते हैं कि अपने जीवन को रैपर मत बनने दो। क्या करो? इसको वास्तविक जिस चीज के लिए बना है मैं उस चीज में लगा दूंगा तो सार्थक होगा। ऐसे ही कथा आती है जो महाराज जी अभी सुन रहा था मैं, हरि नाम की महत्व बता रहे थे कि मनुष्य जीवन में राम नाम क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसपे क्या हुआ, एक हमारे संत हुए, क्या नाम है उनका? तुलसीदास जी। जानते हैं, नाम सुना होगा। तुलसीदास जी क्या करते थे? कुछ स्थान, एक स्थान पे कुछ समय रहते थे, वहां पे थोड़ा राम नाम प्रचार करते थे, राम कथा करते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार एक जगह पहुंचे तो वहां के राजा को पता चला कि कौन आए हैं उनके राज्य में? तुलसीदास जी। तो उनके राज पुरोहित ने बताया कि राजन, तुलसीदास जी आए हैं, बहुत बड़े संत हैं, और क्या करते हैं? भगवान के दर्शन करा देते हैं साक्षात, ऐसा सुना है उनके बारे में। तो राजा भी क्या था, अपने घर में राम दरबार की सेवा करता था, तो वो गया। कैसे गया लेकिन राजा? अब राजा है तो कैसे जाएगा, राजाओं की तरह हाथी पे बैठ के लेके थाल भर भर के ऐसे। महाराज जी ने मुझे पता आगे क्यों किया, महाराज जी कह रहे थे सब तो मिठाइयों में रह जाएंगे, तेरी तरफ कोई देखेगा ही नहीं।
इसलिए मैं आगे आ गया और मिठाइयों को ढक लिया है, अभी मत देखो बाद में मिलेंगी। ऐसे ही थाल भर भर के लेके गया, क्या दिखा रहा है मैं क्या हूं, राजा हूं। सोने अशरफियां लेके जा रहा है, क्या रिझाने के लिए, संत को रिझाने के लिए सोने अशरफियां ये सब लेके जा रहा है और रख दी वहां पे, और कह रहा है प्रणाम महाराज। तुलसीदास जी ने भी देखा हाँ कोई राजा आया है, हाँ बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए राजन। उन्होंने कहा मुझे राम के दर्शन करने हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, करा दो, मैंने सुना है आप करा सकते हो। तुलसीदास जी ने कहा बस इसी कार्य के लिए इतनी दूर आए। राजन सोचा क्या मतलब कोई बहुत आसान काम था क्या, कहते नहीं नहीं मैं दर्शन करना चाहता हूं राम जी के, भगवान के, करा सकते हैं आप, हमने सुना है। कहते हाँ सरल है। कहते कैसे, कहते बस यही बोलो सीताराम 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 सीताराम, बस सीताराम सामने आ जाएंगे, और जहां सीताराम होंगे वहां कौन होंगे, वहां लक्ष्मण होंगे, भरत होंगे, शत्रुघ्न होंगे और हनुमान जी होंगे, जहां ये दरबार होगा वहां पूरी प्रजा भी होगी, तो पूरी अयोध्या ही आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। राजा कहता ये बात मैं नहीं मानता, क्यों, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये राम नाम दिया था और बचपन से मैं ये राम नाम कर रहा हूं, राम दरबार की सेवा भी कर रहा हूं, पर फिर भी आज राम दर्शन हुए नहीं है, बोगस। कह रहा देखो इतना सोना चांदी लाया हूं ले लो इसको, पर राम दर्शन करा दो। तुलसीदास जी हाथ जोड़ के बोलते हैं देखो राजन एक ही विधि है, और इसी विधि का पालन करोगे तो क्या होगा, भगवत दर्शन हो जाएगा, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। राजा कहता बोगस है भाई, राजपुरोहित को बोला क्या इस बंदे के पास लाया था, ये आदमी संत है ये, हाँ चलो यहां से, चलेगा। अब तुलसीदास जी क्या है, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत भी नहीं, नवनीत से भी ज्यादा कोमल है। नवनीत को तो मक्खन को तो फिर भी गर्माहट चाहिए पिघलने के लिए, ये तो दूसरे को दुखी देख के ही क्या होता है पिघल जाते हैं। असली दुख क्या है इस मनुष्य जीवन का, कि हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, ये जो आत्मा है जो भगवान की ही अंश है ये बिछड़ी हुई है भगवान से, जब तक उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा तब तक सुख मिलेगा नहीं। हम बच्चों को समझा रहे थे ये शरीर क्या है, नश्वर, और आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, अमर सनातन, आत्मा क्या है सनातन, शरीर है नश्वर। अब सनातन आत्मा नश्वर शरीर के द्वारा नश्वर चीजों में सुख ढूंढ रही है, तो कैसा सुख मिलेगा, नश्वर, जो नष्ट हो जाएगा। और यही सनातन आत्मा जब उस सनातन भगवान से कनेक्ट करेगी, और जो सुख प्राप्त होगा वो कैसा सुख प्राप्त होगा, सनातन, सनातन मतलब जो, ये भाई माइक आप ही ले लो देखो ये 5 दिन का असर है इन बच्चों में जो ये बात बोल रहे हैं, हमें समझने में सालों लगा, इन बच्चों ने इतनी मेहनत करी 5 दिन में समझा। सनातन क्या था, जो था है और रहेगा, ऐसा सुख मिल जाए जो था है और रहेगा। तुलसीदास जी ने यही देखा दुख, ये राजन दुखी है, पूरी प्रजा भी दुखी है, क्योंकि राजा दुखी तो प्रजा दुखी, आज इसकी आंख खोलनी ही पड़ेगी, और चल पड़े हैं कहां, राजमहल की तरफ। अब तुलसीदास जी आए राजमहल में, आए सीधा देखते हैं, सर बुरा मत मानना एकदम से बोल पड़ूंगा, पकड़ लो इस राजा को, बंदी बना लो। सब देख रही है प्रजा, जैसे आप मुझे देख रहे हो ना, क्या हो गया अचानक से। और देखो माता जी हंस भी रही है, ऐसे वहां की भी प्रजा हंसने लगी देख के। और राजपुरोहित जी सोच रहे हैं ये क्या हो गया तुलसीदास जी को आज, और तुलसीदास जी ने देखा कुछ भी नहीं हुआ, पकड़ लो इस राजा को, इतनी देर से बोल रहा हूं, देखा कोई कुछ नहीं कर रहा। और राजा सोच रहा है ये क्या हो गया इसको, कहता अगली बार बोला ना फिर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि राजा के अंदर गुस्सा आ रहा है कि ये साधु तो था नहीं, ये पागल है पक्का। तीसरी बार बोला तुलसीदास ने, जब 7वीं 8वीं बार बोला ना, अरे भैरो सिपाहियों तुम्हें सुनाई नहीं देता, इस राजा को पकड़ो, बंदी बनाओ और कारागार में डाल दो। अब क्या हुआ, राजा के गुस्से का हारा हुआ राजा खड़ा हुआ, सर खड़े मत हो ना, राजा खड़ा हुआ, कहता सिपाहियों, ऐसा इशारा ही किया था,
भागते हुए सारे सिपाही आए, तुलसीदास जी को उठा लिया। और तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, बड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं। अब सारे टेंशन में आ गए, यार अभी तक तो हम हंस रहे थे, ये चिल्ला रहा था। अब राजा ने हल्का सा बोला है और ये चिल्ला हंस रहे हैं, सिपाहियों ने उठा लिया। तो राज पुरोहित जी गए हैं राजा के पास, राजा ये संत हैं, ये साधु हैं, आज कुछ सिखाने आए हैं, बुद्धि का प्रयोग करो, पूछ लो क्या बात है, गलती ना हो जाए। राज पुरोहित ने बड़ी अच्छी सलाह दी। राजा भी एक बार को सोचा हाँ कुछ गड़बड़ है। राजा ने बोला देखो इनको नीचे, पास गए। अब क्या हुआ? अब विनम्र हो गए हैं, अब विनम्र हो गए हैं, झुक गए हैं। जो पहले अकड़ में गए थे अब क्या गए हैं? झुक गए हैं। वाकई में अब क्या बुद्धि आ गई है? मैं समझना चाहता हूं। फिर गए हैं, राज पुरोहित ने कहा जाके चरण पकड़ लेना वरना बताते नहीं। कई बार गए झुक गए कि महाराज मुझसे पक्का कोई ना कोई गलती या कुछ त्रुटि हुई हो, मुझे ज्ञान दिया है राज पुरोहित ने, वो बोल रहे हैं कि इनके चरण पकड़ लो, एक सतमार्ग दिखाया। राज पुरोहित जानते नहीं है बात क्या है, पर फिर भी एक सतमार्ग दिखाया कि जाके देखो पूछो। तो तुलसीदास जी पता क्या कह रहे हैं? कहते राजन बड़ा सिंपल सी चीज थी, बड़ी सरल सी वस्तु थी जो मैं समझाने आया था। जब मैं चिल्लाता रहा पकड़ लो इस राजा को, पकड़ लो, बंदी बना लो, कारागार में डाल दो, एक भी सिपाही हिला नहीं। पर क्या वो सुन रहे थे? हाँ, बहरे तो थोड़ी ना थे कि जब तक राजा नहीं खड़ा होगा तब तक हम हमारे कान में से रुई नहीं निकालेंगे, कान तो खुले हुए हैं। पर क्या हुआ, जैसे ही राजा खड़ा हुआ और इशारा ही किया था, सिपाही दौड़ के आ गए, समझ गए राजा क्या बोलने वाला। क्यों? क्योंकि राजा के पास क्या है? अथॉरिटी। क्या है वो? पोजिशन, वो ताकत। ऐसे ही हम में से, मैं भी यही सोचता था, अरे क्या जरूरत है किसी साधु के पास जाने की, क्या जरूरत है गुरु करने की, भगवान तो ऐसी शायद बोल दिया होगा, भगवान तो करुणामय है ना, शायद बेचारे गुरुओं के लिए भी बोल दिया होगा कोई बात कि प्रथमम तु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम। श्रीमद् भागवत में भगवान किसको बता रहे हैं? उद्धव को, कि सबसे पहले गुरु की पूजा कर, उसके बाद मेरा अर्चन करना, वरना किया हुआ सारा कार्य निष्फल हो जाएगा। इसी चीज को आज तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि राजन जब यही नाम तुम एक साधु से, साधु कौन? जिसने अपना हृदय अपना मन साध लिया है भगवत सेवा में, अपने जीवन को लगा दिया है भगवत सेवा में। अब ये डाउट आना चाहिए, क्या हम साधु नहीं बन सकते? क्या साधु बनने के लिए घर छोड़ के निकलना पड़ेगा? नहीं, शास्त्रों में ये भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? कि जैसे ही आप ऐसे साधु के शरण में चले जाते हो ना, तो आप भी धीरे धीरे साधु बनने लग जाते हो। अपने गृहस्थी करो, अपना गृह कार्य करो, बस भगवान की सेवा करो, ऐसे साधुओं के अंडर अपने गृह कार्य करो, वही सब्जी बनाओगे, वही रोटी बनाओगे, वही नौकरी करोगे, वही चाकरी करोगे, पर अब एक साधु की गाइडेंस में। तो क्या होगा? हम भी साधु बन जाएंगे। यही तुलसीदास जी यहां पे समझाने आए उस राजा को, और उस राजा को समझ में आया कि यही नाम जो बचपन से कर रहा था, शक्तिशाली नहीं था कि भगवान को खींच लाता, आज जब गुरु से प्राप्त किया है तब क्या होगा, ये नाम खींच लाएगा भगवान को। कहां? हमारे पास, हमारे हृदय में। ये पावर हो जाती है कि जो मंत्र सिद्ध साधु है, जिसने भगवान भगवत चरणों में अपने जीवन को दे दिया है, वो भगवान को खींचने की शक्ति रखता है। हमने क्या सुना है? भगवान क्या है? भावग्राही जनार्दन ना। क्या है भगवान? क्या है भगवान? भावग्राही जनार्दन, मतलब वो हमारे भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। किस भाव के? किस भाव के भूखे हैं? उस आत्मा के, असली भाव के। इस शरीर का भाव क्या है? क्या है शरीर का भाव? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छह भाव हैं जो इस शरीर के हैं। हमें ये छह भाव जब हम छोड़ के आत्मा के उस भाव पे आ जाते हैं, आत्मा का क्या धर्म है? नहीं नहीं क्या बताया था? सेवा। आत्मा का धर्म है सेवा।
जब हम उस सेवा भाव में स्थित होते हैं, सेवा करने में किसकी, भगवान की, क्या जो बना रहे हो, जो भी कुक कर रहे हो वो पहले भगवान को अर्पित किया, तो भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं कि जो यज्ञ में, मतलब यज्ञ क्या है, भगवान को भोग लगाने की विधि, जो बिना उसके खाता है अर्जुन केवल और केवल पाप खाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आराम से पाप खा रहे हैं। अरे भाई पाप का क्या, हमारी खून पसीने की कमाई है, उसका हम कैसे खा लेंगे पाप का। एक चीज खुद देखना, हम कौन से युग में रह रहे हैं, कलयुग में। किस युग में रह रहे हैं, कलयुग का मतलब क्या है, आज नहीं कल करेंगे, कलयुग। अच्छा काम कोई भी हमारे पास आ जाएगा ना, लो माता जी नाम कर लो, प्रभु जी कल से कर लेंगे, आज बहुत काम है, कल से कर लेंगे, आज बहुत काम है। नहीं, ये कलह का युग है, कलह ही कलह है चारों तरफ, है नहीं है कलह, पूरी तरह से कलह से फंसे हुए हैं। ऐसे टाइम पे कैसे हमारी बुद्धि और मन शुद्ध हो सकता है। तो इस बुद्धि और मन शुद्ध करने के लिए भगवान ने देखा चार युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और चौथे में तो हम रह ही रहे हैं कलयुग में। तो सतयुग में एक विधि थी मन को शुद्ध करने की, हृदय को शुद्ध करने की एक विधि थी, क्या थी, तपस्या करो। ध्रुव महाराज जी ने तपस्या करी थी, कौन से युग में करी थी, सतयुग में। हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे हैं, और कितने कितने समय के लिए कर रहे हैं, कोई कर रहा है 10,000 साल, कोई कर रहा है 60,000 साल, कोई कर रहा है 70,000 साल। इतना टाइम किसी के पास है यहाँ पे, हम सारे अपनी आयु मिला लेंगे ना तब भी नहीं हो पाएगा। तो कर पाओगे तपस्या, अरे तपस्या करने के लिए पहले आसन सिद्ध करना पड़ता है। माता जी जिस आसन में बैठे हैं ना, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, इस आसन को, आसन सिद्धि करने में 2,000-4,000 साल लग जाते हैं बस। कितने, बस 2,000-4,000 साल, ज्यादा नहीं लगेगा माता जी, टेंशन मत लो। पर टाइम है नहीं है, तो सतयुग कैंसिल नहीं कर सकते भाई। अब आ जाते द्वापर, और द्वापर कैसे आ गए, बीच में तो त्रेता आ गया था गौतम ऋषि के श्राप की वजह से, तो त्रेता पे आ गए। त्रेता में क्या था, यज्ञ, हवन, गाय का शुद्ध घी कहां मिलता है, यहां पे मिल जाएगा, पतंजलि फैक्ट्री में गया हुआ, मत बोलो उनके बारे में, ठीक है। गाय का देशी शुद्ध घी वहीं मिलेगा जिसके पास अपनी गायें हैं, खुद बना के कर रहा हो। शुद्ध घी नहीं मिलता, शुद्ध वातावरण नहीं मिलता, अरे शुद्ध मन नहीं मिलता, शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलता। पहले क्या होता था, ओम अग्निदेवाय नमः, अग्निदेव प्रकट हो जाते थे, ओम विष्णुवे नमः, विष्णु भगवान आ गए, अपना भाग लेके चले गए, ऐसे होता था। आज दिखता है, डर भी लगता है, हाथ ये पुजारी जी थोड़ी लकड़ी कम कर दो, ये ताप आ रहा है मेरी तरफ, धुआं ऐसा लगता है, खांसते खांसते हमारा, मेरे को अस्थमा है थोड़ा सा, मैं बाहर की तरफ बैठ जाऊं, बैठ जाऊं, चेयर लगा के बैठ सकते हैं क्या, मैं यज्ञ कर सकता हूं, नहीं, कुछ सामग्री शुद्ध नहीं, ब्राह्मण शुद्ध नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। और यज्ञ पता कितने कितने दिन चलते थे, महीनों महीनों। अगर हम कह देना कि कल का यज्ञ जो होगा हम पूरे दिन करेंगे, टेंशन में आ जाएंगे सब, लेकिन नहीं, जल्दी से खत्म करो। मुझे अपने मौसा जी याद आते हैं, पंडित को 500 का नोट देता, भाई फेरे ना 15 मिनट से ज्यादा मत लगाइए। हम क्यों, शादी भी यज्ञ है, शास्त्र में बताया गया, हम उसी में क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज। अब आते हैं, ये भी कैंसिल करते हैं, अब आते हैं द्वापर में। द्वापर में है अर्चन पूजन भगवान का। हम कितने हम में से ऐसे हैं जो दो हाथ से खाते हैं, दोनों हाथ से खाते हैं, एक हाथ से रोटी पकड़ी, दूसरे हाथ से तोड़ के खा गए। शास्त्र में कहा केवल एक हाथ से खाना चाहिए, सीधे हाथ से। कौन से हम, हमें कई ऐसे शुचि असुचि के पता नहीं है। तो भगवत सेवा अर्चन करते वक्त हमसे गड़बड़ हो सकती है, मन शुद्ध होना चाहिए। पता चला ठाकुर जी को निला रहे हैं और दिमाग में क्या टेंशन है, आज जल्दी से कर दूं, क्यों, कोई कहीं जाना है, पूरा मन नहीं दे पाते हैं। तो अर्चन भी नहीं कर पाता ये कलयुग का जीव, अर्चन में भी काफी टाइम लग जाता है। तो क्या हुआ, भगवान ने बड़ी दया से करके इस कलयुग में क्या हुआ, भगवान नाम रूप में अवतार लेकर आए हैं।
कोई नियम? कोई नियम नहीं है। सुबह उठो, करने लग जाओ, कैसी भी परिस्थिति में कर लो, कैसी भी स्थिति में कर लो और किसी भी स्थान पे कर लो। महाराज जी ने कथा सुनाई थी ना हनुमान जी की, कि एक महात्मा से एक शिष्य पूछता है, गुरुदेव मेरे पास तो टाइम ही ना है, मैं तो किसान हूं, मैं कैसे हरिनाम करूं। तो कहता है, चल तेरे पास टाइम कब होता है? कहता है, जब शौच करने जाता हूं ना तभी टाइम होता है। कहता, वाह, कम से कम कुछ तो समय है तेरे पास, तो एक काम कर, तू शौच करते वक्त क्या कर, सीताराम सीताराम। अब वो शौच कर रहा है और क्या कर रहा है, सीताराम सीताराम। और जहां सीताराम हुआ वहां कौन पहुंचते हैं, जय बजरंग बली। बजरंग बली पहुंच गए वहां पे, कौन है जो मेरे प्रभु का इतना सुंदर नाम ले रहा है। नाचते हुए जा रहे हैं, जैसे ऐसी अवस्था में प्रभु का नाम कर रहा है, ऐसी अवस्था में गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध नहीं आ रहा है, भगवान लीला कर रहे हैं, अभी देखना क्या लीला होगी। गुस्सा हो गया, ऐसी परिस्थिति में सोच कर रहा है, भगवान का इतना पवित्र नाम कर रहा है, तेरी क्या मारा, लात मारी। और वो क्या कर रहा है, सीताराम 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 सीताराम, इतनी जोर से लात मारी, कहां गई। हनुमान जी जो अर्जुन के रथ पे बैठे हुए हैं, बाण लगता है, रथ हिलता नहीं है, खुद अपनी लात मारी है इतनी जोर से और उस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, तो सर खुजाया, आगे निकल गए, जाके प्रभु राम से ही पूछते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है। और वहां पहुंचे हैं तो महल में खलबली मची हुई है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर कुछ हो रहा है। अरे भाई क्या हो गया, ऐसे क्या खलबली मची हुई है? अरे राम जी की तबीयत बहुत खराब है, पूरा शरीर टूट रहा है, हैं? ऐसे कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। भागते गए और राम जी के पास पहुंच गए चरणों में, हे प्रभु क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको। तो राम जी क्या कह रहे हैं, अरे भैया हनुमान खुद करता और मुझसे पूछता है। हनुमान जी बोलते, क्या कर दिया प्रभु मैंने, तूने लात बड़ी जोर से मारी थी, अभी तक दुखता है। कहते प्रभु लात तो मैंने उस किसान को मारी थी। तो कहता, उसके मुंह से क्या निकल रहा था। कहते प्रभु, ले तो वो आपका नाम रहा था पर अपवित्र अवस्था में ले रहा था। कहते, यही तो हनुमान, मैंने अपने नाम जपने के लिए कोई नियम ही नहीं बनाया, और मेरे नाम में और मेरे भेद है कोई नहीं, तो मैं वही था, तेरी लात किसको पड़ी, उस नाम को पड़ी, और नाम और मेरे में कोई भेद नहीं है, वो मुझे पड़ी हनुमान, वो मुझे पड़ी बड़ी जोर से। कहता, प्रभु ये अपराध कभी दोबारा नहीं होगा, जो नाम लेगा वहां मैं खड़ा हो जाऊंगा कि कोई दूसरा लात ना मार दे, तो आइंदा ध्यान रखना, कोई भगवान का नाम ले रहा हो तो गड़बड़ मत करना। कौन खड़ा है वहां, हनुमान जी, और कैसे खड़े हैं, गदा लेके। तो अगर मुझे भी प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, भगवान का नाम करूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सभी भगवान का नाम, व्रत रखा हुआ लगता है, महाराज जी सही कह रहे हैं, या किसी ने मुंह में कुछ ऐसा रख के लाए हो कि लास्ट में निकाल के जाएंगे। अरे जोर से बोलो, हे कृष्णा, हे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ठीक है, स्पीकर तो यहीं का ही है, बैकुंठ से आया नहीं तो घिस जाता है, समझना। यही हमारा मनुष्य शरीर की यही उपलब्धि है कि इस नाम के सहारे करते रहे। अरे करना कैसे, रोटी बना रही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भोग लगा दिया, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप ऑफिस में बैठे हो, उसने पता नहीं उठपटांग बोलता रहता है, हरे कृष्णा, छोड़ दो आप उसको, दूसरों की तरफ मत देखो, अपना देखो, वो कुछ बोल रहा है, कुछ उठपटांग बोल रहा है, छोड़ो, हाँ काम की बात सुन लो, काम करते वक्त हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं, भगवान की एक लाइन सुनी है मैंने, कृष्ण तुम्हारे नाम में, क्या बोला, कृष्ण तुम्हारे नाम में तो वो तुम्हारे काम में, और तुम अपने काम में तो वो भैया अपने धाम में।
कहने का मतलब क्या है, काम कर रहे हो और नाम ले रहे हो तो वो काम कौन कर देगा? भगवान कर देंगे। कहते भैया इसका काम जल्दी निपटा दूं, अच्छे से नाम कर ले, ठीक है। और अगर वाकई में आप अपना काम में ही लगे रहोगे तो वो अपने धाम में बहुत सुखी हैं, वहां कोई काम नहीं करना पड़ता उनको। तो इसीलिए हम प्रार्थना है ये हमारी, आदेश तो मैं क्या छोटा सा बच्चा आपको दे सकता हूं, ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भारतवासी बने, शास्त्रों के सूर्य की किरण हल्की सी अपने हृदय में धारण करें, आगे आने वाली पीढ़ी की तरफ ध्यान दें। अगर मेरे हृदय में ये नहीं है, आगे दे पाऊंगा या पाऊंगी? पता है यही बच्चे आगे चल के अगर नहीं दिया हमने संस्कार तो आपसे क्या बोलेंगे, रे तुमने कौन सी अलग काम कर लिया, तो सभी बच्चे पाला करें। ये एक बच्चे ने कह दिया अपनी माँ को, तो वो आके हमें बोल रही थी। हाँ, इस नौजवान पीढ़ी को अगर हम ये संस्कार नहीं देंगे तो याद रखना हमारा बुढ़ापा बड़ा टेंशन वाला है, बहुत टेंशन वाला है, सोचो। और इनका पूरा जीवन पूरा टेंशन वाला है, ये आगे अपने बच्चों को क्या देंगे? गीता भागवत रामायण पढ़ते हैं हम में से कोई घर पे? देखो उसकी भी व्यवस्था हमने करी है, तुम जी बुक से ना, हमारे बस दो मिनट हो गए। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं बताओ? एक श्लोक गिफ्ट में दूंगा। अरे तुम भूल जाओ यार थोड़ी देर के लिए, कोई बता सकता है? हाँ जी पंडित जी, इधर से कोई 800, 900, 1200, 1800, 1000, 2000, 700 श्लोक पढ़ने का टाइम है हमारे पास, किसी के पास? प्रभु जी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, कह रहे 700 श्लोक पढ़ो। और इन बच्चों का करियर है आगे पूरा, हाँ इसको इंजीनियर बनना, इसको डॉक्टर बनना, कैसे पढ़ेगा? तो हमारे गुरुदेव ने क्या किया, ये सार निकाल दिया, जूस, भगवत गीता का जूस सार रूप में भगवत गीता को बाहर निकाल के रख दिया कि पढ़ लो इसको, अब तो पढ़ लो और अपने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाओ ताकि कुछ समझ में आए, ठीक है। ऐसे ही कई ग्रंथ आत्मा के छिपे रहस्य, भगवत प्रेम की। हाँ देखो आपको, आपको एक सही घटना सुनाता हूँ, अब एक मिनट सुन लो, ये अमेरिका की कथा है, ध्यान देकर हिंदू लोग सुनो। एक समय अमेरिका में इस्कॉन का नाम सुने होंगे, जब ये भगवत गीता जयंती आई, ये अमेरिका में कुछ लोग ये भगवत गीता को बेच रहे थे। एक व्यक्ति एरोप्लेन से उतरा, वो करीब करीब 6-7 भक्त अमेरिका में लाइन से खड़े हुए थे, बोले भैया गीता लो, गीता जयंती। जब वो एरोप्लेन से उतरा, बोले गीता लो, बोले बेकार चीज है, वो तो क्रिश्चियन है, वो क्या समझता है गीता। और वो थोड़ी दूर गए, बोले गीता भाई बेकार। उसने देखा 5-6 लाइन से खड़े हुए, उसने भैया कितने को बोलूं, उसने 3-4 डॉलर से गीता ले लिया, बोले तो बेकार चीज है, उसने ड्रम रख लिया। वो व्यक्ति एक दिन इतने डिप्रेशन में आया, वो सुइसाइड करने जा रहा था, इतने डिप्रेशन में आया। लेकिन हम लोग सोचते हैं वो अमेरिका तो बड़े समृद्धशाली, बहुत ज्यादा पैसा। हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जिसने इस्कॉन स्थापन किया, जब वो अमेरिका में गए, उनका पहला लेक्चर था, मैंने सुना अमेरिका सबसे ज्यादा समृद्धशाली, सबसे ज्यादा पैसा वाला। लेकिन जब न्यूज पेपर पढ़ता हूँ, देखता हूँ पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कोई सुइसाइड करके मरता है, ये अमेरिका के लोग, गरीब नहीं वो पैसा वाला लोग। बोले ऐसे क्यों? अगर पैसा अगर शांति सुख देता तो ये ज्यादा पैसा वाले लोग सुइसाइड क्यों करते हैं? उनका पहला ये लेक्चर था वहां की। अभी उसने गीता को उसने ड्रम रख लिया था, सोचा तो गीता बेकार ग्रंथ है। जब उसने बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया, जिसके ड्रम में ये गीता रखा हुआ था उसमें था बंदूक, उसमें बंदूक और उसमें भगवत गीता। अभी उसने ड्रम को खोला, ड्रम को खोल करके जब उन्हें बंदूक को पकड़ने गया, लेकिन उसको हाथ में बंदूक नहीं आकर के आ गया गीता। वो तो मरने जा रहा था, बोले भैया ये गीता क्या चीज। उसने पहला पेज को खोला,
पहला पेज को खोला तो उसमें कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत् प्रसादात पराम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। मतलब हे अर्जुन अगर तुम जीवन में परम शांति अगर परम सुख पाना चाहते हो तो मेरे शरण में आ, मेरे शरण में आओगे तो तुमको परम शांति और परम सुख तुमको प्राप्ति होगी। ये पहला श्लोक में इसने पढ़ा। फिर कृष्ण समझा रहे हे अर्जुन हम ये शरीर नहीं, ये शरीर एक पोशाक है। जैसे कोई पोशाक अगर ज्यादा पुराना हो जाए जैसे हम छोड़ करके क्या करते हैं एक नया पोशाक को धारण करते हैं, उसी तरह ये जो आत्मा है ये नित्य शाश्वत ये आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर चली जाती है, लेकिन जो आत्मा ये अजर अमर है। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाए जैसे एक पिंजरा हो, पिंजरा को अंदर में एक तोता हो, अगर अपने तोता को खाना मत खिलाओ दिन भर केवल पिंजरा को पेंटिंग करते रहो आप बताओ तोता जिंदा रहेगा कि नहीं, बताओ बताओ तोता जिंदा रहेगा कि नहीं। पिंजरा के अंदर में तोता, तोते को खाना नहीं खिलाओ केवल ये पिंजरा को पेंटिंग करो बताओ तोता जिंदा रहेगा कि नहीं, बोलो रहेगा नहीं रहेगा। कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन ये शरीर एक पिंजरा है लेकिन इसके अंदर में एक तोता रहती है, अगर तोता को खाना नहीं खिलाओगे केवल दिन भर ये शरीर को ब्यूटी पार्लर में लेकर सजवाओगे, शरीर को जिम में ले जाओगे, शरीर को खिलाओगे लेकिन तुम ये आत्मा को नहीं खिलाओ ना एक दिन ये शरीर है ये आत्मा एक दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए अर्जुन अगर तुम परम शांति सुख पाना चाहते हो तुम मेरे शरण में आ जा, मेरे शरण में तेरे को परम शांति परम सुख मिले। ये अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं। वो व्यक्ति सुइसाइड क्या करेगा, उसने सुइसाइड करना छोड़ दिया, उसने रात भर ये गीता को पढ़ते रहा, रात भर उसने गीता पढ़ा, पढ़ते पढ़ते उसने ढूंढा भैया ये गीता आए कहां से, उसको खोल करके एड्रेस मिला, वो एड्रेस से लेकर के गया वो स्कूल में गया, फिर देखा वहां पर कुछ संत लोग हैं, वो अमेरिका की घटना है, फिर उनसे प्रश्न किया भैया मैं तो बड़े डिप्रेशन हूं हमें शांति सुख मिल नहीं रहा है, फिर उन लोग ने समझाया देखो बेटा हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा की अंश है, जब तक ये जीवात्मा परमात्मा के शरण में नहीं जाएगा केवल ये शरीर को खिलाओगे पिलाओगे केवल ये शरीर को देखते रहोगे वो शांति तुमको नहीं मिलेगी। इसलिए अगर शांति पाना चाहते हो कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आओ तभी तुम्हें परम शांति मिलेगा। उसने सब त्याग दे करके ना उसने साधु बना, अभी वो व्यक्ति है, अभी संपूर्ण पृथ्वी में हमारे जैसे सन्यास वेश लेकर को अमेरिका का अभी संपूर्ण पृथ्वी में ये गीता धर्म प्रचार कर रहा है। ये गीता इतने महत्वपूर्ण, ऐसे कोई आपकी प्रश्न नहीं जो कि गीता से आपको आंसर नहीं मिलेगा, ऐसे कोई प्रश्न नहीं। आप गीता पढ़ करके देखो कृष्ण कैसे अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। ये गीता देखना हर जगह में जो लोग युद्ध करते हैं ना वहां पर भी गीता का उपदेश है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर तुम मारोगे तो पृथ्वी को भोग कर अगर मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, ये गीता का उपदेश युद्ध समय भी ये गीता उपदेश है, इतने महत्वपूर्ण हमारी ये भगवत गीता है। इसलिए आप लोग भी गीता को पढ़ो और बच्चों को भी भगवत गीता पढ़ाओ, देखोगे घर नहीं ये घर भगवान की धाम बन जाएगा, घर भगवान की धाम बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमारे गुरु जी एक छोटी सी कभी एक छोटी सी ग्रंथ केवल 8-10 पेज का, क्योंकि गीता का 700 श्लोक है व्याख्या है, इसके सारांश रूप में केवल 8-10 पेज में उन्होंने एक गीता बनवाई। अगर किसी की इच्छा होगी कम समय में ये गीता का सार को हम समझना चाहते हैं आप ये भगवत गीता को लेकर के जरूर पढ़ो और बच्चों को भी गीता पढ़ाओ, देखना बड़े से बड़े आपत्ति विपत्तियों से ये गीता हमें रक्षा करेगा। क्यों, ये ठाकुर जी की मुख निश्रित ये वाणी है। और आप भी बच्चों को रामायण जरूर पढ़ाओ, रामायण जरूर पढ़ाओ, मैं पहले बोला था ना ध्यान देकर सुनो। एक समय किसने हमारे बड़े गुरु जी के पास में आए
बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, हम दुनिया में जाओ, हम तो सारा दुनिया में जाते हैं, सारा दुनिया एक ही बात कहते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे गुरु जी को किसने ये बात बताई? तब हमारे गुरु जी ने कहा बेटा तू रामायण पढ़ते हो और बच्चों को रामायण पढ़ाते कि नहीं? बोले नहीं। बोले जब तुम रामायण पढ़ोगे नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाओगे, तब बच्चे तुम्हारी सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि रामायण पढ़ो उसमें लिखा हुआ है प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। भगवान सवेरे उठ करके पहले पिता माता के चरण छूते थे, गुरु जी के चरण छूते थे। जब भगवान विश्वामित्र, जब दशरथ महाराज जब शयन करते हैं, भगवान राम जा करके प्रभु की गुरु जी अपना पिताजी की सेवा करते हैं। बोले बेटा अगर तुम रामायण पढ़ते तब बच्चे लोग ये संस्कार बनते हैं। भगवान भी सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूते हैं, गुरु जी की चरण छूते, वो भी चरण छूते हैं। भाई भाई के लिए रामचंद्र ने केवल पितृ आदेश को पालन करने के लिए 14 साल वनवास गए। बोले किसकी आदेश? बोले सौतली माँ, अपना माँ नहीं, सौतली माँ की आदेश को पालन कर लिए ठाकुर जी 14 साल वनवास गए। क्यों? पिताजी की आदेश को हम पालन करने के लिए। अभी आप बच्चे को बोलो 14 साल क्या 14 दिन के लिए कहीं जाओ, वो अपना मनमर्जी से 14 दिन के लिए चला जाएगा, लेकिन पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए नहीं जाएगा। क्यों? चूंकि हमसे रामायण नहीं पढ़ते। इसलिए इंडोनेशिया, ये मुसलमान कंट्री, अभी इंडोनेशिया के लोग वो मुसलमान देश में भी रामायण पढ़ाई हो रहे हैं। बल्कि क्यों? हमारे बच्चे अच्छे संस्कारी बने, पिता माता को आदर करें, भाई भाई में प्रीति रहे, घर घर में बहू बहू में प्रीति रहे। इसलिए आप लोग भी जरूर रामायण पढ़ो और बच्चों को भी रामायण जरूर पढ़ाओ, ठीक है ना? बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी हम लोग श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे। हाँ देखो, कल है ये भागवत कथा का विश्राम का दिन है, कल ठाकुर जी की भागवत कथा की कल विश्राम है। विश्राम मतलब ये भागवत कथा कभी समाप्त नहीं होता है, ये कथा कभी समाप्त नहीं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। इसलिए कल ये भागवत कथा का विश्राम का दिन है, लेकिन कल जो कथा है ये सवेरे 9 बजे कथा होगी, क्योंकि कथा के बाद में यज्ञ है, फिर यज्ञ के बाद में सभी भक्तों लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, सभी भक्तों लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। इसलिए कल की जो कथा है सबसे महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि कल कथा में हम ऐसे एक आपको कथा सुनाएंगे जो व्यक्ति 7 दिन से सुन नहीं पाए, जिसने आधा सुने, जिसने थोड़ी सी सुने, कल कथा की एक सारांश रूप में एक सुंदर कथा है, जो कथा सुनने से ये पूरी भागवत कथा सुनने का पूरा के पर फल मिल जाएगा। इसलिए कल जरूर आप लोग कोशिश करना, 9 बजे अगर आ जाएंगे, कोशिश करेंगे 12 बजे को अंदर में कथा को विश्राम दे दे, उसको बाद में फिर यज्ञ है, और जो यज्ञ है ना ये वैष्णव होम है, और जो यज्ञ है बहुत अच्छी यज्ञ है, जैसे किसको पर किसी ग्रह का दोष हो, कोई काल सर्प का दोष हो, कोई उल्टा पुल्टा चीज हो, उसमें भगवान नरसिंह देव का यज्ञ है। जैसे प्रहलाद गुफर में जीवन में बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन भगवान नृसिंहदेव उनको हर विपत्तियों से भगवान उनको बचाए। इसलिए कल जो यज्ञ श्री नरसिंह मंत्र से यज्ञ होगी, इसलिए उसमें जो आहुति डालेंगे जीवन का सारे ग्रह पीड़ा, जीवन का सारे दुख कष्ट उससे दूर हो जाएगी। कथा के बाद में यज्ञ है, फिर उसको बाद में सभी के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था, जितने भक्त लोग आएंगे सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। इसलिए आप लोग कोशिश करना टाइम से आने के लिए, और कल भगवान कृष्ण रुक्मिणी की कल शादी है, और जैसे कल आप लोग जो साड़ी पहन करके आओगे ना, जैसे शादी में चमक धमक पहन करके जाते हो, इसलिए कल बढ़िया साड़ी पहन करके आना, जैसे लाल रंग के, सबके सब कोशिश करना अगर लाल रंग के हो, बढ़िया चमक धमक शादी, क्योंकि कल श्री बांके बिहारी का शादी है,
साधने कैसे जाते हो, सर दर्द करके जाते हो कि नहीं? इसलिए आप लोग भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आना, क्योंकि कल श्री ठाकुर जी की बांके बिहारी जी की शादी हुई, ठीक है? और कल श्री सुदामा जी की भी कथा है। सुदामा जी जैसे भगवान के लिए केवल दो मुट्ठी चिड़ी वाला आए थे, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए। जब ठाकुर जी तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे और रुक्मिणी हाथ पकड़ती, बोले प्रभु नहीं, आपने दो मुट्ठी चिड़वा खा लिया, उसको घर में सब कुछ संपत्ति पहुंच रही है, अगर आप तीसरी मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी हूँ उसको घर में मेरे को दासी बनना पड़ेगा, इसलिए प्रभु आप इसको मत खाया करो। और जब सुदामा घर में आता है, सोने की महल बना हुआ है, इसलिए कल से सुदामा जी का चरित्र है, अगर हो सके अपना अपना घर से, जैसे सुदामा चावल लेकर गया था, अब हो सकता थोड़े थोड़े चावल लेकर के आना। और नियम है यहाँ से ब्यास पीठ से आप लोग अपना कपड़े से थोड़ी थोड़ी चावल लेकर के जाना, क्योंकि वो चावल लेकर के जा करके घर में रखो तो माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, घर में माँ लक्ष्मी अचला रूप में रह जाती है, लक्ष्मी फिर घर से कहीं निकलती नहीं। इसलिए कथा को बाद में आप लोग थोड़ी थोड़ी यहाँ से मैं चावल दूंगा, वो चावल को अपने कपड़े में ले लेना और अपना मंदिर में उसको रख लेना, अपना मंदिर में रखना। और जैसे भगवान कृष्ण शादी करेंगे, अगर कोई कोई रुक्मिणी विवाह में साड़ी देते हैं, अगर आप लोग कोई अच्छी अगर साड़ी दोगे, फिर वृंदावन में हम श्री राधा रानी को पहनाएंगे, हमारे वहाँ राधा रानी वृंदा देवी, अगर कोई अच्छी साड़ी लाओगे तो हम ठाकुर जी को धारण कराएंगे, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अभी हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। आप लोग गिरिराज गोवर्धन कौन कौन गए हैं, गए हो आप लोग? इसलिए कल मैं सुना रहा था कि जो गिरिराज गोवर्धन है वो साधारण कोई पहाड़ नहीं है, ये गिरिराज गोवर्धन आए कहां से, बल्कि गर्ग संहिता की कथा है। एक दिन गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे और आपस में चर्चा कर रहे थे, ऐसे एक सुंदर स्थान हो जहां पर हर तरह का पेड़ हो, वृक्ष हो, पानी हो, जहां पर सुंदर झरनाएं हो, नदी हो, जहां पर एक साथ में सारे ऋतु को बहता हुआ हो, ऐसे एक सुंदर स्थान हो जहां पर ठंडा नहीं हो, गर्म नहीं हो। तब श्री राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को प्रकट करती है, इसलिए गर्ग संहिता में बताए प्रकृत है मनसा जात, ये राधा जी के हृदय से श्री गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुई। और भविष्य पुराण में बताए ये गिरिराज गोवर्धन ये कहां से आई, बोले बांके बिहारी के नेत्र से ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुआ है, इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन को बताए सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब आप इनसे जो कुछ मांगोगे, जो कुछ मांगोगे गिरिराज गोवर्धन से, गिरिराज गोवर्धन सब कुछ दे देती है। इसलिए वहां पर देखे होंगे पत्थर के ऊपर में पत्थर रखा हुआ, बोले क्यों, बोले जिसको जितने मंजिली चाहिए, मकान चाहिए, ये गिरिराज गोवर्धन जितने पत्थर को पत्थर रख दो ना उतना मंजिली गिरिराज दे देते हैं। जिनके बेटा बेटियों की शादी नहीं हो रही है, बड़ी तकलीफ है, आप देखना पेड़ में जाकर के धागा बांध करके आते हैं, नहीं तो पेड़ में गांठ बांध करके आती हैं, हमारे घर में बेटा बेटी की शादी हो जाए, गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज की अभिषेक करते हैं, जिनकी बिजनेस सही नहीं चलती है, जिनकी नौकरी धंधा नहीं चलती है, आप देखना गिरिराज के पास में जाओ, परिक्रमा लगाओ, उनकी अभिषेक करो, वो सारे इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। आप देखना 12 महीना गिरिराज गोवर्धन में 12 महीना अन्नकूट चलती रहती है, बड़े बड़े विदेश से भी लोग आकर के जिनकी जैसे इच्छा पूरी होते हैं ऐसे ही गिरिराज गोवर्धन की पूजा करते हैं, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन कृष्ण स्वयं पूजा की। दुनिया तो बांके बिहारी की पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा किया, उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। दुनिया बांके बिहारी की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की, गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने परिक्रमा की। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन की बड़ी महिमा है। भगवान तो ये संसार छोड़कर चले गए, दुनिया छोड़कर प्रभु गए,
लेकिन केवल तीन चीजें हमारे लिए छोड़ कर गए, बोले एक श्री गिरिराज गोवर्धन, दूसरे श्री जमुना पटरानी और तीसरा की ब्रजभूमि। केवल तीन चीज को ये दुनिया में ठाकुर जी रख करके गए। और जो तीन चीज है हमारे ऊपर में, ये तीन चीज हमारे ऊपर में ये कृपा करने वाले ये तीन चीज है। इसलिए कहते जो गिरिराज गोवर्धन है, भले भैया इसका स्वरूप क्या है और ये वृंदावन में ये गिरिराज आए कैसे, इनकी दो कथा आती है। एक कथा आती है जिस समय भगवान राम लंका जाने के लिए पुल बांध रहे थे, पुल बांधते समय प्रभु राम बोले बड़े से बड़े पत्थर लाओ, और हनुमान जी उसके ऊपर राम का नाम लिखते थे, छोड़ते थे, वो तैरता था। हनुमान जी ने देखा जल्दी से जल्दी पुल बन जाए और माँ सीता की उद्धार हो जाए, इसलिए ढूंढ रहे थे सबसे बड़े बड़े पत्थर कहाँ पर। उन्होंने भ्रमण करते करते सालमल द्वीप में पहुंचे और वहां पर श्री गिरिराज गोवर्धन को दर्शन किया। हम लोग गिरिराज गोवर्धन गए हैं, कौन कौन गए हम लोग देखे होंगे, कितना बड़ा गिरिराज गोवर्धन, केवल जिसको परिक्रमा लगाने के लिए 6-7 घंटे लग जाती है। हनुमान जी देखा भैया ये तो बहुत बड़ा पर्वत है, अगर किसी तरह से ये पर्वत को ले जाए ना बस जल्दी जल्दी पुल बन जाएगी और माता सीता की उद्धार हो जाएगी। उन्होंने जय श्री राम बोल करके पूरा गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया, उठा करके ले जा रहे थे। जाते जाते अभी जहां पर श्री गिरिराज गोवर्धन ब्रज में, जब हनुमान जी वहीं पर पहुंचे, इतने में पुल बन चुका है। भगवान राम ने बोले देखो अभी कोई पत्थर की जरूरत नहीं, पुल बंद गया, बोल दो बंदर को जहां से पत्थर ला रहे हैं वहीं रख ले। अभी गिरिराज गोवर्धन को वहीं रख लिए। अभी गिरिराज तो रोने लग गए, बोले प्रभु इतने दूर से मेरे को लाए हो, अगर और थोड़ी दूर ले जाते तो प्रभु की सेवा में मैं लगता, प्रभु राम चल करके जाते, जानकी माता की उद्धार होता, कम से कम ठाकुर को सेवा में तो मैं लग जाता, और मेरे को कहां यहीं पर रख दिए। इतने में दुखी हो गए, तब हनुमान जी बोले चिंता मत करो, यही राम ही ये द्वापर युग में श्याम बनकर के आएंगे। जब श्याम बनकर के आएंगे अभी तो थोड़ी सी सेवा में लगता, उस समय कृष्ण तुम्हें कनिष्ठ अंगुल पर 7 दिन तक धारण करेंगे। 7 दिन तक उसको नीचे सारे ब्रजवासी आश्रय लेंगे, कृष्ण गैया चराएंगे, फूल चयन करेंगे, रास करेंगे, सारे लीला ठाकुर जी तेरे ऊपर करेंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो, अभी तुम द्वापर युग के लिए इंतजार करो। इसलिए गिरिराज की ये एक कथा है। बल्कि उनकी जो दूसरी कथा है, एक ऋषि हुए जिनका नाम था पुलस्त ऋषि। ये पुलस्त ऋषि एक समय भ्रमण करते करते पहुंचे द्रोणाचल पर्वत के पास में। ये गिरिराज गोवर्धन, इनकी जो पिता माता द्रोणाचल और पृथ्वी, इनकी बेटे रूप में ये जन्म हुए थे। अभी जब वहां पर पहुंचे देखा बड़ा सुंदर पर्वत है, कितने तरह का झरना पर्वत नदी, इनकी मन हुई इसको अगर किसी तरह से मैं वृंद ले जाऊं कहां पर, काशी में, फिर संत लोग बैठ करके इसमें भजन कर सकते हैं। तो उनको पिता माता जी को प्रार्थना की अपना बेटे को हमें दे दो। बोले भैया कोई बेटे थोड़ी दे सकता है, एक ही बेटा कैसे बेटा दे दो। उसने देखा अगर मना कर दू तो हो सकता है ऋषि अभिशाप दे देंगे। बोले भैया पूछ लो बेटा को जाएगा कि नहीं जाएगा। बोले भैया चलो मेरे साथ में, वो भी बड़े विपत्ति में फंस गए। बोले देखो मैं तो जा सकता हूं लेकिन ये दो शर्त है। बोले क्या दो शर्त? बोले पहला शर्त है भैया मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे को हाथ में उठा करके ले जाना पड़ेगा। बोले दूसरी शर्त अगर बीच में कहीं अपवित्र हो गए मेरे को स्पर्श नहीं कर सकते। बोले कोई बात नहीं। बस उन्होंने हाथ को ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया और उन्होंने जा रहे थे। जाते जाते अभी जहां पर गिरिराज गोवर्धन, जब वहीं पर आए गिरिराज गोवर्धन ठाकुर जी से प्रार्थना की, बोले ठाकुर जी
मैं तो गोलोक वृंदावन से यहाँ पर आया हूँ और तेरे सेवा के लिए, और ये ऋषि हमें कहाँ ले जा रहे हैं, ये काशी ले जा रहे हैं, ये काशी तो मरुभूमि, ये तो ब्रह्मवादियों का स्थान है, ब्रज तो रस भूमि है, प्रभु मेरे को कृपा करके अपना चरण में स्थान दो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। इतने में भगवान ने ऐसे माया फिराया, ऋषि को इतने जोर से लघु संख्या लगी, वो रोक नहीं सके, गिरिराज को ही पर रख दिए, और लघु संख्या के लिए बैठे तो लघु संख्या खत्म ही नहीं हो। जब उसको बाद में उठे, हाथ पैर धोए, बोले गिरिराज चलो, बोले नहीं चलूंगा, आपने क्या प्रतिज्ञा की थी, बीच में मेरे को उतारोगे नहीं, फिर अपवित्र हो गए तो मेरे को स्पर्श नहीं कर सकते हो, घंटे तक बैठ करके आपने शौच क्रिया की, मैं यहां से जाने वाला नहीं, बोले मैं तेरे को अभिशाप देता हूं, तू पल पल में तिल तिल खीण होते जाओगे और तू टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। गिरिराज बोले बाबा मैं तो कृष्ण सेवा के लिए रहना चाहता हूं, अगर आने से पहले भगवान अगर मैं टुकड़े टुकड़े हो गया और वो पूरा नीचे धसी गया, फिर रह करके लाभ किया है, मेरे को इतनी सी आशीर्वाद करो, जब तक ठाकुर जी नहीं आते हैं तब तक मैं पूर्ण रूप में रहूं, ठाकुर जी लीला करके जब चले जाए फिर आपकी अभिशाप मेरे पर लागू हो। बोले कथास्तु बोलते हैं, इसलिए कहती ये दो कथा आती है, ये गिरिराज गोवर्धन कैसे आए। बोले भैया गिरिराज गोवर्धन है कौन, बोले इनका तीन रूप है, इनका एक स्वरूप है, एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ने कठोर तपस्या की, जब राधा कृष्ण दर्शन दिए बोले ब्रह्मा को क्या चाहते हो, बोले आप प्रभु आपका ब्रज में हम जन्म लेना चाहते हैं, बोले किस रूप में जन्म लेना चाहते हो, बोले मेरे सखा सखी रूप में, बोले नहीं, बोले फिर, बोले प्रभु अगर हम ब्रज में पहाड़ रूप में भी जन्म हो जाए हमारी, अगर हमारे ऊपर में आप लीला करोगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखो ये ब्रज की कितने महत्व है, शंकर जी स्वयं नंदगाम, कौन कौन नंदगाम गए हो, गए हो ना, अब नंदगाम का ऊपर में देखना वहां शंकर जी, इसलिए उनका नाम नंदीश्वर महादेव, स्वयं शंकर जी को पर्वत बने, बरसाना कौन कौन गए, गए हो, जब पहाड़ को पार करोगे ना सीढ़ी को, सीधा हाथ में देखना ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली है, वो पर्वत नहीं वो स्वयं ब्रह्मा जी है, और गिरिराज गोवर्धन तो गए हो, ये गिरिराज गोवर्धन कौन, बोले साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु ये गिरिराज बन करके आए, इसलिए गिरिराज कोई साधारण पहाड़ नहीं। कहती ये एक कथा आती है, दूसरी कथा आती है ये कृष्ण कौन है, बोले साक्षात गिरिराज गोवर्धन, इसलिए कृष्ण एक स्वरूप में तो पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में पूजा को ग्रहण किया, इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन और कोई नहीं, ये स्वयं श्री बांके बिहारी ये गिरिराज रूप धारण की। बोले इनका तीसरा रूप किया, तब राधा रानी वेणु गीत में कहती है हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य, राधा रानी कहती है ये गिरिराज गोवर्धन भगवान की सबसे बड़ा भक्त है, क्योंकि इसकी कंदरा कंदरा में लीला की, उनको पर गैया चराए, प्रभु रास किए, वहीं से पानी पिया, वहीं पर उन्होंने नौका विलास की, प्रभु का अधिकांश लीला ठाकुर जी गिरिराज में करते हैं, उनके लिए सुंदर कुंज बना देते हैं, उनके लिए सुंदर गुफा बना देते हैं, रत्न सिंहासन बनाते हैं, हर तरह से गिरिराज सेवा की, इसलिए ठाकुर का बड़े सबसे बड़े सेवक श्री ये गिरिराज गोवर्धन है। एक बार सबके सब गिरिराज की जयकार लगाओ, जो जितने जोर से जयकार लगाएगा ना गिरिराज की, आपको उतना ही जय होगा, उतना ही पाप खत्म होगी, इतने जोर से जय लगाओ पूरा खुर्जा में पता चले हमारे श्री भागवत कथा हो रही है, ठीक है। बोले श्री गिरिराज महाराज जयकार में आनंद तो आया, लेकिन पूरा के पूरा लेकिन थोड़ी सी कमी हो गया, अभी पीछे के भक्त लोग तो कोई बोल रहे ही नहीं है, जोर से बोलो बोले श्री गिरिराज महाराज। अभी कहते भगवान कृष्ण ने
ये गिरिराज पूजा क्यों करवाया, बड़ा रहस्य है इसके अंदर में, कृष्ण गिरिराज पूजा क्यों किया। हमारे टीकाकारों ने चार कारण बताया। पहला कारण बताए कृष्ण ने इंद्र पूजा को बंद किया क्योंकि इंद्र के अंदर में अभिमान था, कहते मैं स्वर्ग का राजा हूं, मैं बारी बरसाता हूं, घास उगता है तभी गैया घास खाते और दूध देते, अगर मैं बारी नहीं बरसाऊंगा गैया फिर घास कहाँ उगेगा, फिर गैया घास कहाँ खाएंगे, दूध कहाँ देंगे, अब ब्रजवासी जिंदा कैसे रहेंगे। इसलिए स्वर्ग का राजा मैं, मेरे कृपा से ये ब्रजवासी जिंदा है। कृष्ण ने सोचा इसको पता नहीं मैं कौन हूं, मैंने इनको ही इंद्रपद दिया हूं, इंद्रपद इनको मैंने ही दिया हूं, लेकिन अभी इनको अभिमान आ गया है, अब इसकी अभिमान को दूर करना पड़ेगा। ये पहला कारण। दूसरा कारण है कहते भैया झोली पसारनाथ पसरना तो श्री गिरिराज की चरण में झोली पसारो, तुम्हारी पूरा झोली को वही भर देगी। ऐसे कोई चीज नहीं जो ये गिरिराज गोवर्धन में दे नहीं सकते, सब कुछ जो कुछ मांगोगे श्री गिरिराज से ही मांगो, सारे इच्छाओं को ये पूरी करने वाले। इसलिए इनका नाम गिरिराज सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब सारी इच्छाओं को जो गिरिराज जी पूरी करते हैं। इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा बंद करवाई। इंद्र कौन है, बोले स्वर्ग के राजा, सारे देवता का राजा। इसलिए कृष्ण शिक्षा देते हैं अगर श्री बांके बिहारी को पास में झोली पसारा गई, गिरिराज को पास में सब कुछ गिरिराज ही हमें देने वाले हैं, झोली पसार तो श्री बांके बिहारी को पास में पसारो। तीसरा कारण है अभी भगवान कृष्ण रासलीला करना चाहते हैं, लेकिन रास तो अकेले नहीं कर सकते हैं जब तक गोपियां नहीं हो। एक उदाहरण दिया, जैसे कोई एक हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है, देखना वो हीरोइन को सामने वो बड़ा बहादुर दिखाता है, लोगों को इकट्ठा करके सबको साथ में युद्ध करते करते लड़ाई करते करते सबको परास्त कर देता है, और वो हीरोइन देखता है अरे ये तो बड़ा पहलवान है, पर उसको एकदम चरण में तन मन सब दे देता है। ब्रज का हीरो कौन, कृष्ण, बोले हीरोइन कौन, बोले ब्रज की गोपियां। अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया ये हीरोइन को आकर्षण कैसे करूं, इसलिए इनको सामने हमें कुछ बहादुर दिखाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने दो बहादुर दिखाया, बोले पहला बहादुर तो उन्होंने ये दिखाया कालियों को सर पर नृत्य किया, उसका 100 फण था, कृष्ण एक फण से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे नृत्य कर रहे थे, सारे देवता लोग उतर करके आ गए, सबके सब वाद्य बजा रहे हैं और भगवान कालियों को सर पर नृत्य कर रहे थे। मतलब कैसे नृत्य कर रहे थे, सूरदास ने एक बड़ा सुंदर पद लिखते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 पद पउ पर पम 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 पद पद गत पम 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 पद देव पर करत दिन दिन विनती करत नाग भगवानी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 सीता गन 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 भगवान, सन 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 गन 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 नाम 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 नारद नाम 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 देत काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, शंकर जी भी जिसको देख करके बोले हे प्रभु आपकी
बलिहारी हो आपकी जय जयकार हो। उन्होंने एक हीरो का काम किया और जिसको देख करके गोपियां तो तन मन सब कुछ दे दिया। दूसरा हीरो का काम क्या किए, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन उठाया। आप लोग बताओ तो कृष्ण जब गिरिराज उठाए, कृष्ण का उम्र कितना था आप लोग बता सकते हैं? कृष्ण का उम्र कितना था? जोर से बोलो, कौन बोल रहे हैं? कितना साल था? हाँ, 7 साल के। और गिरिराज गोवर्धन कितना बड़ा था? 7 क्रोस। मतलब कितना दिन के लिए उठाए? 7 दिन के लिए। और कैसे उठाए? हम लोग कहते ना, अरे मेरे लिए ये कौन सा बड़ी भारी बात, हम तो इसको उल्टा हाथ से कर सकते हैं, बाम हाथ से कर सकते हैं। कृष्ण बाम हाथ से, बोले बाम हाथ नहीं, सबसे कनिष्ठ अंगुल पर, कनिष्ठ अंगुल नहीं, नाखों को ऊपर में उन्होंने गिरिराज उठा लिए। हैं, इतने बड़े बहादुरी काम कृष्ण ने किया। 7 दिन तक गिरिराज उठाकर कृष्ण खड़े रहे, जिसको देख करके ब्रज गोपियां तो चकाचौंध हो गए। बोले बाबा रे, हम बड़े बड़े बहादुर देखे लेकिन ऐसे बहादुर हमने देखा नहीं। इसलिए प्रभु गिरिराज इसलिए उठाए, ये गोपियों को आकर्षण करते हुए प्रभु आगे रास करने वाले। एक दिन कृष्ण ने देखा मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बड़े सुंदर सुंदर मैया जसोदा रोसोई बना रही है। कृष्ण बोले मैया कल क्या मेरे जन्म तिथि? बोले नहीं। बोले दाऊ भैया की? बोले नहीं। बोले फिर आज इतने बढ़िया बढ़िया खाना क्यों बना रहे हो? बोले लाला पिताजी को पास में जा, पिताजी को पूछो। कृष्ण जाकर के नंद बाबा की गोद में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ लिए। बोले बाबा ये मैया रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है? बोले लाला हम इंद्र पूजा करेंगे। कृष्ण बोले पिताजी इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग के राजा। बोले स्वर्ग के राजा? बोले वो क्या करता है? बोले हम लोग ग्वाला गैया हमारे मूलधन, उपयुक्त समय पर बारिश बरसाता है, बारिश से होता है घास, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं और दूध से सब कुछ बनता है, दूध ही हमारा मूल आ रहे। कृष्ण ने कहा पिताजी ये जो इंद्र है ना, इसको गांठ में सब कुछ नहीं, आप जब इंद्र को प्रार्थना करो फिर इंद्र ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, अगर ठाकुर जी अगर ये बात को पास करते हैं फिर इंद्र जाकर बारिश बरसाता है। जैसे यहाँ का कोई मंत्री होगा, अगर मंत्री को कोई चीज पूछो ना वो अपना हाथ से थोड़ी दोगा, फिर वो ऊपर मंत्री से फिर वो मोदी को पास में जाएगा। अगर मोदी अगर वहां से सांक्षन करे फिर जाकर के यहाँ पर कोई चीज आ सकती है। क्योंकि उसी तरह पिताजी ये जो जगत का जो मूल कारण ये ठाकुर जी है, जब इंद्र को प्रार्थना करो, इंद्र को गांठ में कुछ नहीं, वो ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन दर्शन कर रहे हो ये पहाड़ नहीं है, ये हमारी ब्रज की साक्षात देवता है। हम गैया घास तो यही खाते हैं ना, मेघ जाकर टकराती है गिरिराज गोवर्धन में, बारिश होती है क्योंकि उसी समय गिरिराज विशाल रूपती है, वो पुलस्त ऋषि के अभिशाप से धसते हुए जा रहा है और जितने फल मूल सब तो गिरिराज से मिलता है, झरना नदी सब गिरिराज से। इसलिए पिताजी आप गिरिराज की पूजा करो। बोले पिताजी इंद्र की पूजा कब से कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले आपने देखा खाते हुए? बोले नहीं। बोले जब गिरिराज की पूजा करोगे इन्हीं आंखों से देखोगे, साक्षात ठाकुर का दर्शन मिलेगा, साक्षात ठाकुर दर्शन मिलेंगे, जो मांगोगे पिताजी सब कुछ मिलेगा। बोले लाला इन्हीं आंखों से ठाकुर दर्शन होगा? बोले हाँ पिताजी, और जो मांगोगे वही मिलेगा। बोले फिर भैया हम तो गिरिराज की पूजा करेंगे, जाओ ढिंडरा पिटरा दो बजने। और जितने ब्रजवासी हैं, 4 तरह का तो चावल बनवाए, एक फीका चावल, एक मीठा चावल, एक नमकीन चावल, एक मटर पनीर चावल, 3 तरह का चावल, 2 तरह का कढ़ी बनवाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। सुहागिनी कढ़ी किसको कहते हैं? जिसमें पकौड़े डाल करके बनाते हैं। राड कढ़ी बगर पकड़ के जो कढ़ी बनती है। 2 तरह के चूरमा बनाए, एक हसना एक रोना। हसना मतलब जिसको पतल में रखते खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकती है। और पराठा तो 10 तरह का पराठा बनवाए, गोभी की, आलू की, बथुआ की, हाँ मेथी की, इतने तरह का। और दाल तो 5 तरह का दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, छोला दाल,
मटर डाल, इतना वस्तु लाए तिल सब पांच सभी गांव ब्रज में, तरली बरली सही ऊंचा गांव नीचा गांव अभी भी तिल सब पांच सभी गांव मिलेगा। इतना खाना लाए जिसका नाम पड़ गया अर्ण कूट, कूट मतलब होता है पर्वत, अर्ण मतलब होता है अर्ण, सब चीज की चावल का पर्वत बन गया, रोटी की कचौड़ी की सबका पर्वत बन गया। अभी कृष्ण अपना हाथों से गिरिराज की पंचामृत से स्नान करवाए, जितने खाना लाए थे ना सब में तुलसी पत्ता रख दिया। कोई है यहाँ पर कोई पुजारी है तुलसी पत्ता डाल दिया ना? हाँ, अभी कोई भोग लगाने वाले है कोई? तो तुम भोग लगा सकते हो? अरे फरीदा वाला माता जी ठाकुर जी को भोग लगा दो, गोपाल मंत्र पढ़ करके, गोपाल मंत्र जिसको मिला होगा अब गोपाल मंत्र से भोग लगा दो। कृष्णदास काम करे हानि कर रहा है, भोग लगा ठीक है। हरे कृष्णा अभी, हाँ देखो ठाकुर को जो भोग लगता है देखो ध्यान देखो सुनो, ठाकुर जी को उसी मंत्र से भोग लगती है वो गोपाल मंत्र से। बोलिए गोपाल मंत्र कहाँ से आया है? सबसे पहले कृष्ण ब्रह्मा जी को ये मंत्र प्रदान किए, ब्रह्मा जी फिर नारद जी, नारद फिर व्यास। ये मंत्र सप्त युग से धीरे धीरे गुरु परंपरा से ही ये मंत्र पृथ्वी लोक पर आई है। उसी मंत्र से ठाकुर जी की, उसी मंत्र से ठाकुर जी को भोग लगता है ये गोपाल मंत्र से। इसलिए अभी गोपाल मंत्र से ठाकुर जी को भोग लगाया, जब ठाकुर जी की भोग लगाया इतने में सचमुच से गिरिराज को आह्वान किया तो साक्षात गिरिराज वहां प्रकट हुए, विशाल स्वरूप लेकर के सबके सब लोग दर्शन कर रहे थे। इतना बड़ा शरीर जैसे आकाश को स्पर्श कर रहा था। देखो ध्यान देकर सुनो गिरिराज क्या कहते हैं, बोले मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूं, आज का दिन ये गिरिराज अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना अगर किसने भोग लगाया तो मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, उनकी घर में कभी भी अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगा। ये साक्षात गिरिराज के मुंह से निकली वाली, कभी एक जीवन नहीं कभी किसी जीवन में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी, ये गिरिराज गोवर्धन की मुंह से निकला हुआ वरदान है। अगर कोई मेरे को अनादर करते हैं भैया जन्म जन्मांतर में माया में भटकते रहोगे, दुखी दुखी होकर के गिरिराज ने आशीर्वाद उन्हें सबको दिया, सबके सब गिरिराज को दर्शन किए और गिरिराज बोले तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा मेरे से मांग लो, जिसकी मन में जो कुछ इच्छा थी गिरिराज से प्रार्थना की और गिरिराज सबको आशीर्वाद दिया, सबके सब फलते फूलते रहो और सबके सब संसार में सुखी रहो। देखो हम लोग को सामने भी गिरिराज गोवर्धन है, आज हम लोग गिरिराज से आपकी मन में जो कुछ इच्छा है आप गिरिराज से प्रार्थना करो, गिरिराज जी आपको सारी इच्छाओं को श्री गिरिराज जी पूरी करेंगे ठीक है। लेकिन जरूर एक चीज मांगना, गिरिराज जी आपकी चरण में हमारे प्रेम और भक्ति और आपकी सेवा हमें जरूर प्रदान करना। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, जय श्री श्री जय, जय श्री राम जय श्री राम। कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों चकाचक भजन करो, भजन करते हुए चलो हम सबके सब गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। कृष्ण सारे ब्रजवासी को बांध के बिहारी स्वयं राधा रानी के साथ में अपना सखियों के साथ में ठाकुर जी गिरिराज की परिक्रमा ठाकुर जी लगाए हैं। परिक्रमा कैसे लगाए बोले सबसे पहले चल रहे थे साधु संत ब्राह्मण, उसको पीछे जितने गया भी परिक्रमा लगाए और उसको पीछे ब्रजवासी और सबके पीछे गोपियां और सबसे पीछे से किशोरी जी राधा रानी चल रही थी। जब थोड़ी दूर परिक्रमा करते करते गए अभी राधा रानी सोच रही है अगर कृष्ण सचमुच से मेरे प्रियतम होएंगे, मेरी मन की भावना को समझते हैं, कृष्ण जरूर आकर के मेरे को स्पर्श करेंगे। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं तो बीच में
और राधा रानी सबसे पीछे, अभी राधा रानी को स्पर्श कैसे करूं। इतने में कृष्ण ने किया कि एक बछड़े को लिया और पीछे करके उसका पूछ उन्होंने ऐंठ दिया। इतने में वो बछड़ा फुदकते हुए वो पहुंच गया एकदम पीछे और कृष्ण बछड़ा को निमित्त बना करके पीछे गए और राधा रानी को स्पर्श कर लिया और राधा रानी तो प्रेम में गदगद हो गई। प्रेम में राधा रानी गदगद हो गई और थोड़ी दूर गए। अभी राधा रानी की इच्छा हो रही है कृष्ण क्या मेरे को थोड़ा दर्शन भी देंगे। अभी कृष्ण सोचते हैं अभी राधा रानी की दर्शन कैसे दूंगे, तो बीच में राधा रानी पीछे। इतने में कृष्ण ने क्या किया, गैया चरणा का जो लकुट थी ना वो लकुट भी लेकर उन्होंने जोर से फेंकी। फेंक करके जब कृष्ण उसको पकड़ने के लिए गए राधा रानी पीछे लिए बीच में, फिर राधा रानी का दो आंखें और कृष्ण का दो आंख मिलकर के एक हो गया। बस ऐसे बड़े आनंद पूर्वक कृष्ण कीर्तन करते हुए ब्रजवासियों के साथ में परिक्रमा कर रहे थे। इसलिए अभी हम भी परिक्रमा करेंगे। देखो इधर सुनिए, यहाँ पर कृष्ण स्वयं है और गिरिराज गोवर्धन भी यहाँ पर है। अभी प्रभु जी सुंदर भजन बोलेंगे गिरिराज की। गिरिराज की भजन में सबके सब नृत्य करना और इसको बाद में पूरा जो पैंडल है ना उसको परिक्रमा लगाना। हाँ, इसको हो सकता चार बार परिक्रमा लगा सकते, अच्छी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं कृष्ण उनको पीछे 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 ठाकुर जी चलते हैं। ये हमसे क्या मांगेगा, इतने कष्ट करके मेरे से इतना परिक्रमा क्यों कर रहा है, जो मांगो वही फल मिलता है, ठीक है ना। कोशिश करना ये गिरिराज गोवर्धन की कीर्तन को बाद में, अभी कोई मत जाओ, प्रभु अभी कीर्तन सुंदर भजन गाएंगे गिरिराज गोवर्धन की। कीर्तन में खूब नाचना कूदना और उसको बाद में फिर जा करके इसको परिक्रमा लगाना सबके सब। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री भारी रघुनाथ की जय। जय श्री राम, बोले श्री राम धर्म भगवान की जय। जय श्री राम। तो गिरिराज जी ने जो छप्पन भोग लिया है उसकी थोड़ी उसका थोड़ा बढ़ना है कि खुरचन है फिर मोहन, खुरचन है फिर मोहन, फिर सार सुर लिखी खजला झलेबी कलकंद जल सही है कि मोहन थार देवा बाटी मेहरी मसूर पाक के रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है कि भुजिया नमकीन से कसार सकल पारे भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है कि ग्वाल बाबा और नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग पे सजाए गिरिराज महाराज की। कौन कौन चलेगी गिरिराज है, सभी चलेंगे नहीं? अच्छा कोई कोई हाथ उठा रहे, हाथ नहीं उठा रहे, बोले पता नहीं क्या गिरिराज जी ने क्या बना है। तो इसलिए सभी लोग को चलना है, गाते भाई नाचते भाई आइए। अरे मैं तो भोग रे घर को मेरे वे मैं मने I'm gonna go to the hospital.
I'm not afraid.
Oh,